हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। अनर्पित चरिं चिरात करुणावतीर्ण खलु समर्पयति उन्नतो जरसं सभक्तिस्यां हरिः पुरटसुन्दरद्युतिगदम्बो सन्दीपत सदा हृदये कन्दे स्फुरतवसि सचिनन्दन। अनर्पितचरिं चिरात करुणायवतीर्ण खलु समर्पयति उन्नतो ज्वलरसं सभक्तिस्यां हरिः पुरटसुन्दरद्युतिगदम्बो सन्दीपत सदा हृदये कन्दे स्फुरतवसि शिशचिनंदन। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बताए, गौड़ीय गोष्ठीपति शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बताए, माथुर विरह ब्रजवासी गणों का सेवा करना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है, मकसद है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताएं, सब माथुर विरह ब्रजवासी गणों का सेवा ही हमारा जिंदगी का मकसद है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने श्रील माधवेन्द्र पुरीपाद जी का जो अंतिम भाव, जो गौड़ीय मठ के जो धाराएं हैं, धारा का गुप्त रूप काल बताए थे प्रभुपाद। बार बार ये चीज़ बोलते रहे, हम गौड़ीय मठ के हैं, गौड़ीय मठ के इस जगत का कोई वस्तु नहीं है, चैतन्य मठ क्या वस्तु, सब व्याख्या की पोपा जी ने बार बार बताएं। परम विजय तस्य कृष्ण संकीर्तनम, ये हमारा स्लोगन है। परम विजय तस्य कृष्ण संकीर्तनम, ये हमारा गौड़ीय मठ का स्लोगन है। क्यों, इसका बारे में भी थोड़ा बताए थे। सेवा संगन में श्रीमन महाप्रभु जे संकीर्तन यज्ञाग्नि प्रज्वलित किए, ये यज्ञाग्नि का जो विषय है उसका मतलब है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ है ना, इसमें हमारा गौड़ीय मठ का जितना सारे संत महात्मा ये संकीर्तन यज्ञ में आप आत्माहुति देने वाले, ये सब आत्माहुति दे के रखे है और कुछ नहीं। परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये जो चैतन्य महाप्रभु का चेतो दर्पण मार्जनम उसके बाद बताए थे, अंतिम में बताए परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तनम बताए ना, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादग्नि निर्वापनम श्रेय गौरव चंदिका विदारणम विद्यावधुर जीवन आनंदन मधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णायत्वास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम जयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्रीमन महाप्रभु का ही दिखाया हुआ जो विषय है शिक्षा अवदान, ये सब विषय में धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। पहला विषय तो ये है, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बड़ा सावधान कर दिया हम लोगों को। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़ा सुंदर भाव लिखे, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो ये जो सिद्धांत सागर है, ये सिद्धांत सागर में जो चैतन्य महाप्रभु का कृपा मिला है वही ये सिद्धांत सागर का पार हो सकता, बाकी कोई नहीं। श्री चैतन्य प्रभम मंदे बालोपी यदनुग्रहात् तरेन्नानामतो ग्राहम
व्याप्तम सिद्धांत सागरम, जो सिद्धांतों का सागर है इसमें बहुत सारे मगरमच्छ आदि सब भरपूर है, कब आपको अटैक करे इसमें पार होना असंभव है। चैतन्य महाप्रभु का ही जो भाव है, श्रील स्वरूप गोसाई का अंदर से ये सब निकला, हम धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे। रूप गोसाई का पाद सब महाप्रभु का एक एक जो भाव है संपूर्ण उसमें है। श्री चैतन्य प्रभुम मंदिर बाल ओपी यदनुग्रहा तरे नानामत ग्राहम व्यक्त सिद्धांत सागर, कोई बच्चा भी हो जाए चैतन्य महाप्रभु का कृपा बन जाए वो भी सिद्धांतों का पार हो जाए, इसका उदाहरण है अच्युतानंद अद्वैत गोसाई का जो बच्चा है, छोटे बच्चा खेल रहे हैं। अद्वैत गोसाई को किसी ने पूछ लिया जे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का कौन गुरुदेव है, अद्वैत गोसाई ने बता दिया। सुनते ही गुस्से में आकर सामने आ गया, पिताजी आप प्रामाणिक हो, समाज में आपको सब फॉलो करता है, सब आपको मानता है, आप ये सब सिद्धांत तो बोलोगे तो कैसे रहे। बड़े बड़े क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्ण चैतन्य वंदे जगत, यही तो वेदों का सिद्धांत, पूरा तमाम शास्त्रों का यही सिद्धांत है ना, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णों का कौन गुरु है सर। हाँ ठीक है, फिर भी ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है, गुरु गुरु गोहन का लीला, गुरु पाठ में जाना, शिक्षा लेना, ये सब जो विषय है ये सब लीला की और कुछ नहीं। तो अद्वैत गोसाई का जो ये लड़का है अच्युतानंद ने बताया, प्रभु ये आपने पिताजी है जो अद्वैत गोसाई को बताया, आप प्रामाणिक है, कैसे आपने बता दिया चैतन्य महाप्रभु का कोई गुरु है, ये तो हो ही नहीं सकता। अद्वैत वो उसके गोदी में लिया और चुम्बन किया, बेटा तुमने हमसे सिखाया, तू मेरे बाप है, बच्चा है। कोवि कर्णपुर नाम सुने होंगे, कोवि कर्णपुर वो शिवानंद सेन जी का लड़का है, छोटा लड़का, श्रीमन महाप्रभु उनका मुखों पे जवान पर अपना चरण का जो प्रधान अंगुली है वो मुख में डाल दिया, अहो सौभाग्य। वो बच्चा इतनी सी उम्र में पूरा सिद्धांत को बोलते रह गए, सब आज हैरान हो गया, पाँच पाँच साल का बच्चा कैसे बोला सिद्धांत का पूरा। ऐसा ही है परम विजय तो श्री कृष्ण संकीर्तनम, ये कोई नया बात नहीं है, गौड़ीय मठ का स्लोगन है, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु का अवदान है। संकीर्तनिक पितरो पितरो द्विवचन क्यों बोला गया, क्योंकि नित्यानंद गौर दोनों को पकड़ा के एक ही है, दो स्वरूप है। श्री चैतन्य महाप्रभु का फर्स्ट एक्सपेंशन गौरंग महाप्रभु है, जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्रधान फर्स्ट एक्सपेंशन बलदाव जी महाराज है। शास्त्रों का विचार है बलदाव जी महाराज भगवत तत्वों में ये जो आता है, प्रभुपाद जी ने बताया बड़ा आश्चर्य के सिद्धांत है, बलदाव जी महाराज साक्षात भगवान भी है एट द सेम टाइम सेवक विग्रह भी है, बड़ा आश्चर्य। एक बात तो बलराम के लिए बहुत उटपटांग सिद्धांत तो बाजार में चलता है, बलदाव जी महाराज का रास का प्रसंग है, बहुत आदमी उटपटांग बोलता है बलदाव जी महाराज क्यों रास करे, क्यों करे। पोपा जी ने जवाब दिया बलदाव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण साथ श्री कृष्ण के साथ अभिन्न है, एट द सेम टाइम भिन्न है, फिर भी उसको सेवक विग्रह सेव्य विग्रह दोनों बोला जाए, एकमात्र बलदाव जी किंतु एक ही है। इसलिए बलदाव जी महाराज का रास कोई निंदा का विषय नहीं है। चैतन्य भागवत में बता गया जो लोग ये जगत में जो सब मणि ऋषि स्त्री संगों का बारे में बहुत निंदा करता है, वो लोग की बल्लाव का रास में हाथ जोड़ के बोलता है आहा प्रभु क्या किया। चैतन्य भागवत में सब बातें हैं। अभी ये जो परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम ये महाप्रभु
का अवदान तो है ही है। जब से भगवान ठाकुर जी पैदा हुए नवद्वीप धाम में, तभी इशारे पे भगवान का नाम संकीर्तन शुरुआत कर दिया था। इशारे पे बच्चा है, नन्हे मुन्ने सब बहुत जोर से रो रहा है, और गोपियों ने बोले हरे कृष्णा जय गौर गौर हरि, चुप हो गया। तब से लोग समझ गया कि ये बच्चा जब ठाकुर जी का नाम कीर्तन करे तो चुप जाए, हो गया। फिर उस समय में जो ग्रहण का बात था, उसमें गौरांग महाप्रभु नामक पूर्ण चंद्र उदय हुआ, कलंक परिपूर्ण जो चंद्रमा है उसका क्या काम है। ग्रहण का जो विषय है, इस विषय को लेकर गौर पूर्णिमासी, तब तो आदमी को पता नहीं था ये गौर पूर्णिमासी, वृंदावन दास ठाकुर ने बचाया। आश्चर्य की बात है, लाखों हजारों आदमी गंगा में नहाने जा रहे हैं और सब हरे कृष्ण सब बोल रहे हैं। बोले कैसा बात है, पहले ऐसा नहीं था। तो संकीर्तन ही को पितरो, ये तो है संकीर्तन, और इसका अंदर में बहुत सारे गहरा रहस्य है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताए, माधवेंद्र पुरीपाद जी श्री चैतन्य महाप्रभु आने का पहले अवतीर्ण हुए, ये नियम है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का ये विशेष नियम है, जब ठाकुर जी अवतीर्ण हुए उसके पहले अपना पार्षदों को भेज देते, गुरुवर्गों को सब भेज देते, जाओ लीला करो, उसके बाद ठाकुर जी आते। ठाकुर जी चले जाने के बाद भी और सारे भक्त लोग आते, ये नियम है। ठाकुर जी का आगे पीछे, आगे आया फील्ड को साफा करने के लिए, तैयार करने के लिए, पीछे आया ठाकुर जी जो शिक्षा दे दिया उसको स्थापना के लिए, जिसका बारे में बताया गया श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतल। श्री चैतन्य महाप्रभु का मन अभीष्ट क्या है, उसको स्थापन करने के लिए जो लोग आए अवतीर्ण हुए, ये लोगों का आगमन होता है बात। और ठाकुर जी आने का पहले आता है बहुत से ईश्वर प्रतिभा, माधवेंद्र पुरीपाद, सारे परिकार सब। माधवेंद्र पुरीपाद जी, बड़ा आश्चर्य की बात है, माधवाचार्य जो संप्रदाय में, ये जो माधवेंद्र पुरीपाद माधवाचार्य जो संप्रदाय में गुप्त रूप में ये प्रेम का बीज है, प्रभुपाद जी ने प्रमाण कर दिया। बहुत सारे आदमी बहस करता है, महाराज बलदेव विद्याभूषण जी जब आश्रय लिए गौड़ीय समाज का, तब ही वो माधवाचार्य का साथ कनेक्शन कराने का कोशिश की है। हमने हर हालत में ये सब सिद्धांत तो स्थापन करके, क्योंकि हमारा सिद्धांत प्रभुपाद का सिद्धांत, भक्ति विनोद ठाकुर का, सारे प्रमाण करके साबित कर दिए ये सब झूठा बात है, फालतू बात है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताएं, जो हमारा माध्य संबंध मानने वाला नहीं है, वो गौड़ियों का रूप में है, लेकिन वो गौड़ियों का दुश्मन है। भक्ति विनोद ठाकुर अपना वाणी में लिखे हैं, वो गौड़ियों समाज का सबसे नंबर वन एनिमी, शत्रु है, उसको कभी मंगल नहीं होने वाला, ऐसा है। इस मठ से भी खामाखा हमने मना किया, प्रकाश कर दिया, हमने बार बार बोला महाराज ऐसा मत करो, सुना नहीं, प्रकाश कर दिया। फिर उसका बाद हमको जवाब देना पड़ा, क्या करें। परम विद भक्ति तो माधव गोस्वामी महाराज का, भक्ति वाला चित्त गोस्वामी महाराज का सिद्धांत तो वो पकड़ नहीं पाया, वो महाराज वो उल्टा कर दिया। हम बोला आप तो गुरुदेव का खिलाफ हो रहा है। जो भी है, माधव गौरी अमनाय में हमारा गौड़िया मठ में परंपरा क्या नहीं है, इस बारे में एक किताब निकल गया, सुबह में देखा पिक्चर। जो भी है, बलदेव बुद्धभूषण जी ने कभी भी माधवाचार्यों का साथ गौड़ियों वाले का नया संबंध बनाने का कोई चक्कर में नहीं पड़ा था। इस बलदेव बुद्धभूषण कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, गौरांग महाप्रभु का मनोभीष्ट स्थापन करने, जो महाप्रभु का शिक्षा, महाप्रभु का जो सिद्धांत तो है, अवदान है, उसको बढ़ाने चराने के लिए आए। जब ही ना वेदांत तो सिद्धांत तो, वेदांत तो, जो गौड़ीय वेदांतों का स्थापना किसका इच्छा से, महाप्रभु का इच्छा से। महाप्रभु का अवदान तो है ही है, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जीव गोस्वामी पाद, जो भी
जितना सिद्धांत दिए हैं सब महाप्रभु का ही अवदान है। महाप्रभु का ही जो सिक्का स्टक है, सिक्का स्टक टोटल एक्सपेंशन सिक्का स्टक, ये सिक्का स्टक का टोटल एक्सपेंशन है। वो जो जितना सारे सिद्धांतों का ग्रंथों का स्थापन किए गोस्वामी लोगों ने, सारे श्रीमन महाप्रभु का ही अभिष्टों का अर्थात स्थापन करना, और कुछ उल्टा नहीं। श्रील माधवेंद्र परिपाद जी का श्रील माधवेंद्र परिपाद जी का अंदर ऐसा प्रेम कहाँ से आया, क्योंकि माधवाचार्य का उधर तो बाल गोपाल आदि सब देखा, वो तो है सिद्धांत तो थोड़ा है, हम चर्चा करेंगे। आश्चर्य की बात है, जब महाप्रभु उधर पहुँचे वहाँ का क्या चर्चा हुआ था, उसमें क्या विशेष है, क्या रहस्य है, वो सब, क्योंकि अदरवाइज महाप्रभु का अवदान अधूरा रह जाएगा, समझ में नहीं आया, तर्क उठेगा, उल्टा पलटा तर्क उठेगा ना। तो माधवेंद्र परिपाद जी जब सोरी छोड़ने का समय में, ओ दुन दीन दयार्थनाथ ओ मथुरा नाथ कदावल कस्य हृदयम तदलोक कातरम, ये जो श्लोक बताया प्रभुपाद जी ने, खुल्लम खुल्ला बता दिया, बी श्योर ये गौड़ीय मठ का जो प्रेम संपत्ति इसका शीड है, गुप्त रूप माधवेंद्र परिपाद जी से इनहेरिट और परंपरा आ रहे। अब क्वेश्चन आता है, माधवेंद्र परिपाद को कहाँ से मिला महाराज? माधवेंद्र परिपाद तो गौरांगा महाप्रभु का पहले आया, जबकि भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद सारे हमारा गौड़ीय सिद्धांतों में ये विचार है, जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु का अनुगत तो नहीं करोगे, श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा परिपूर्ण आपके हृदय में ना आए, तो जुगल सरकार का सेवा और रस की प्रकार भेद और आनंद आपका अधूरा रह जाएगा, ये विचार है। बहुत आदमी बोल सकता कैसे हो सकता महाराज, गौरंग महोत्सव तो आया है 550 साल पहले, उसका पहले जो किया है उसका बारे में क्या बताओगे? जैसे हमारा लीला सुख बिल्लमंगल ठाकुर, प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर ने विचार दिखाया, बिल्लमंगल ठाकुर का अंदर भी गौर का जो लीला का गुप्त रूप में उसका हृदय में प्रकट हो गया था। जब भी इसका प्रमाण क्या है, जो बिल्लमंगल ठाकुर जी ने जो लिखा है किस ग्रंथ को, ब्रह्म संगीता एक लाया था महाप्रभु साउथ इंडिया से, एक कृष्ण करुणामृत, ये जो चैतन्य महाप्रभु का अप्रूवल है, गुप्त अप्रूवल है, इसमें साबित होता है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान आने का पहले बिल्लमंगल ठाकुर का अंदर ये रस का जो चस्का है वो दे दिया, किसी को पता नहीं। नहीं तो बिल्लमंगल ठाकुर 750 साल बैठ के लीला सुख बहन के इतना आनंद का लहर में डूब रहा है, कोई पता नहीं, डूब से एकदम नशे जैसा, वो कैसे हो गया? और एक बात है, शिला माधवेंद्र परिपाद जी शिला गौरांग महाप्रभु का स्वयं भगवान का पहले आविर्भाव हुए है। यहाँ भी प्रभुपाद जी ने सिद्धांत तो लिखा, जे माधवेंद्र परिपाद जी का अंदर में गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव, गौर आविर्भाव पहले हो गया था, बाहरी दृष्टि में गौर आए नहीं, किंतु अंतर्दृष्टि में गुप्त रूप में गौरांग उसका अंदर में प्रकट भय। और धाम परिक्रमा में भी भक्तिविनोद ठाकुर मिसाल प्रमाण दिए, माधवाचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, यहाँ तक कि शंकर, सब एक गौरधाम में नवद्वीप में आए। शंकराचार्य के ठाकुर जी प्रकट होकर मारे, ए तुम्हारा जगह नहीं है, जाओ यहाँ से, दूसरा जगह करो। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने प्रमाण लिखा, जो निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, सारे वो गौर पूर्णिमा का पहले जितना सारे प्रवचन हुआ था अंग्रेजी में, उसमें देख लेना, पूरा सारे डिस्कशन डिटेल्स है, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने प्रमाण दिया, माधवाचार्यों के सामने प्रकट होकर ठाकुर जी आशीर्वाद की, माधवाचार्यों को गौरांग महापुत्र की कृपा की है प्रकट होके, इसका पहले माधवेंद्र भाई माधवाचार्य जी के व्यासदेव जी प्रकट हो भी कृपा की, व्यास गुफा में जब गए वहाँ भी कृपा मिली,
आश्चर्य की बात है। और व्यासदेव जी शक्तावेश भगवान ही हैं और क्या है। चैतन्य महाप्रभु विशेष करके प्रकट होके बोले, तुम्हारा संप्रदाय को हम अंगीकार करेंगे, अभी आ रहा है थोड़ी देर बाद जब हम प्रकट होंगे, प्रकट होने के बाद आप ही का ही संप्रदाय को हम समादर करेंगे, क्योंकि माधव संप्रदाय का अंदर भगवान श्री कृष्ण का जो सच्चिदानंद विग्रह का जो टॉप मोस्ट मान्यता जो है वो भरपूर है। रामानुजाचार्य का शक्ति सिद्धांत को अपनाया महाप्रभु, माधवाचार्य का ये अपना, एक एक संप्रदाय से बहुत सारे गंभीर चर्चा का विषय, टोटली अलग अलग चर्चा करना चाहिए। एकदम हो जाए होगा नहीं, कोई पक्का नहीं हो पाएगा। श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी का अंदर, ये माधवेंद्र पुरीपाद जी का अंदर गौरांग महाप्रभु का जो गौर अवतार प्रभुपाद जी ने भक्ति में ठगे माधा पहले हो गया था, और माधवाचार्य का सामने गोपाल जी गोपी चंदन से प्रकट भय, ये तो है ही है। बाकी भागवतों का एक एक विचार आपको ले आओ, विश्वनाथ चक्रवर्ती बात का, ये सब माधवाचार्यों का सारे विचार है। उसमें माधवाचार्यों को जितना तक भगवान ने आदेश किया उतना तक किया। बहुत आदमी बहस करता है, वो महाराज ब्रह्मा को ऊपर मानता है, हम ये सब जवाब बाद में देवे, अभी हो जाएगा उल्टा पलटा। किसी ने बोलता है ब्रह्मा जी को क्या है, उसमें तो अधिकार नहीं, ब्रह्मा जी को रस में क्या अधिकार है, वो तो है नहीं। हमने बोलो देखो, ब्रह्मसंगीता प्रामाणिक ग्रंथ है, ब्रह्मसंगीता महाप्रभु ने समादार करके, कर्णमित्र को समादार करके लाए, गौड़ीय मठ का, गौड़ीय संप्रदाय का ट्रेजर, हिडन ट्रेजर, गुप्त संपत्ति, अनोखा खजाना। इसका अंदर में, ब्रह्मसंगीता का अंदर में उधर लिखा गया, ब्रह्मा जी ने स्वयं बोले कि ठाकुर जी मेरे को दीक्षा दी, भगवान श्री कृष्ण से द्विज संस्कार हुआ ब्रह्म संगीत में। चतुश्लोक की भागवत हमने चर्चा की, दो चार श्लोक उसमें देखा, उसमें आपने देखे होंगे जो चतुश्लोक की भागवत का अंदर संबंध अविद्य प्रयोजन ज्ञान का पूरा प्राप्ति का पूर्ण रहस्य, सरहस्यम तदंगंच गदितो माया, ज्ञानम परम गुझम, ये जो है ये परम गुझम जो ज्ञान है यही है अनर्पित चरिंग चिरात, ये गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, सब फाइट करता आप। अरे ब्रह्मा जी को कहाँ से मिला, हम बोले महाराज तुमको काम गायत्री कहाँ से मिला, आसमान से मिला क्या? ब्रह्मा जी को काम गायत्री ठाकुर जी ने दिया, अरे तुमको कहाँ से मिला, तुम ऐसा फालतू बात कर रहे हो, हैं अष्टादश अक्षर मंत्र है आदि जो है वो कहाँ से मिला तुमको, ब्रह्मा जी को रस में अधिकार नहीं है? तो महाराज ब्रह्मा जी को मान्यता देता है कौन, माधवाचार्य जी। फिर उसका बात गोपियों का बारे में ठीक लिखाने में ठीक है, इसका रहस्य ये है जितना तक ठाकुर जी ने माधवाचार्य जी का आदेश किए उतना तक की। पोपाद जी ने एक पत्र मिला है, मधुसूदन बोल के कोई आचार्य है पहले जमाने में, उसका पत्र हमारा पास है बंगाली में। उधर प्रभुपाद जी ने दिखाया कि उधर वो जो आचार्यों का ब्रेंच है, उधर एक आचार्य नहीं है, आठ आचार्य शायद, वो आचार्य जो है वो गोपी भाव लेके ठाकुर जी के सामने डांस करता है, लिखा है, हम दिखाएंगे चिट्ठी। और बाद में माधवाचार्य जाने का बाद कुछ और उटपटन सिद्धांत हो गया, जैसे गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु का जाने का बाद मेजर पर्सन जो है वो सहजिया बन गया है ना। इसमें आप तर्क करोगे महाराज ये गौड़ीय मठ का है, वो तो तिलक है, तिलक माला गौड़ीय संप्रदाय का है, हम बोले वो गौड़ीय संप्रदाय कैसे हो सकता, वो तो परिचय देता। ऐसे ही हुआ माधवाचार्य जो जाने के बाद उसका जो अंतर का जो गुप्त रहस्य है बाकी आदमी समझ नहीं पाए, थोड़ा चेंज कर दिया फिलोसफी, ऐसा करके उल्टा हो गया पूरा, जैसे लगता है कि माधवेंद्र पुरीपाद का साथ हमारा गौड़ीय संप्रदाय के कोई संबंध है नहीं। इस बारे में पता चलेगा जब श्री चैतन्य महाप्रभु उडुपी में पहुँचे, उडुपी में बैठ के तब की जमाने में, माधवाचार्य जो उसका बहुत पहले गुजर गए,
अभी हम बताए माध्वाचार्य के सामने महाप्रभु प्रकट होकर आशीर्वाद किए, तुम्हारा ही संप्रदाय को हम स्वीकार करेंगे कलिकाल में, ये जो आ रहा है हम तुम्हारा संप्रदाय, क्योंकि तुम्हारा संप्रदाय में सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण भगवान का इतना मान्यता है। बाकी हमने सुबह में ही बताया जे साक्षात प्राकृत बभू वह जो कारागार में भगवान श्री कृष्ण प्रकट भय चतुर्भू शंख चक्र गदा पद पकड़ के, और उसमें देवकी जी और वसुदेव जी बड़ा स्तुति किए, उसके बाद स्तुति के बाद वो चतुर्भुज रूप को संवरण करके फिर बच्चा हो गया सामने। इस बारे का ऊपर जो टीका टिप्पणी लिखे है इसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी ने बताएं, यहाँ तक कि रामानुजाचार्य जी सब जितना सारे आचार्य है एक माध्वाचार्य छोड़कर सब इसका ऊपर थोड़ा कटाक्ष किए हैं। माने उसका बोलने का मतलब है ये विष्णु आदि है शंकर चक्र का, क्यों उससे आया है बच्चे। लेकिन उसमें भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रमाण दिए कि साक्षात प्राकृत बबू हो, ये जो आपने इस बात को उठाकर हंगामा मचा रहे हैं, कौन बोला? भले सुखदेव गोस्वामी भागवत कथा वही तो बोला, ठीक है जो सुखदेव गोस्वामी इस बात को बोले हैं इसका पीछे रहस्य क्या है विचार करना चाहिए, बिना विचार कोई बात तो नहीं चले। भले महाराज ये सुखदेव गोस्वामी सौ सौ बार, एक बार नहीं भागवत का एक एक श्लोक लिखा है उसमें ये सुखदेव गोस्वामी जी ने अधक्षज शब्द को यूज किया, सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधक्षजे अधक्षजे अहेतुक अप्रतिहता जयात्मा सुप्रसीदति। इसका भी व्याख्या आएगी गौरंग महाप्रभु का चर्चा है ना, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का विचार तो भागवत का विचार है, हमने बताया था उस दिन। तो इसमें जब सुखदेव गोस्वामी बार बार उच्चारण किए अध्यक्ष जो शब्द, अब अध्यक्ष जो किस वस्तु को बोला जाता है ये पहला क्वेश्चन है, जो लोग लड़ाई में आए उसको बोलो जो अध्यक्ष जो ये शब्द किसका लिए व्यवहार किया जाए, व्हाट फॉर वी कैन यूज एंड हाउ, अध्यक्ष जो वस्तु क्या है। श्रील जीव गोस्वामी पाद जी ने सुंदर व्याख्या किए ये अध्यक्ष जो का शब्द, और सुखदेव गोस्वामी तो कई बार 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 बोलते रहे अध्यक्ष जो वस्तु राजन ये अध्यक्ष जो, आप जीव गोस्वामी कह रहे हैं अधकृतो अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रिय जो ज्ञानम जेनो इति अधक्षजम, बड़ा सुंदर, जो संस्कृत जानता है वो आनंद से झूम पड़ेगा। जीव गोस्वामी पाद लिखे हैं अधकृत अक्षज ज्ञानम तथा इंद्रिय जो ज्ञानम जेनो इति अधक्षजम, जीव गोस्वामी पाद। इसका ऊपर ब्रह्मांड में कोई नहीं है, जीव गोस्वामी पाद टॉपमोस्ट। जीव गोस्वामी पाद ने बताएं जो ठाकुर जी ने प्राकृत जगत का जितना नॉलेज जितना कंसेप्शन जितना आइडिया सबको लाठी लगा के नीचा में फेंक दे के अपना महिमा के द्वारा स्वराट भूमिका में विराजमान है उसको अधक्ष जो बोले। फॉलो माय पॉइंट, जीव गोस्वामी पाद जी ने बताएं जो प्राकृत भावना प्राकृत मेटेरियल कंसेप्शन जितना सारे हैं, हमने कई बार कहें प्रभुपाद जी का ही भावना है जे जो अप्राकृत विषय है इसका बारे में तर्क नहीं चलता है। जीव गोस्वामी पाद जी ने बताया कि देखो ठाकुर जी सराट भूमिका में है भगवान अधक्षज, अधक्षज शब्द का ये अर्थ है जो अक्षज और अधक्षज दोनों शब्द आता है। अक्षज मतलब जितना सारे दुनिया का जितना सारे प्राणी हैं, या तो के कुत्ती कुत्ता बिल्ला लेके घोड़े गाधा सबका सब अक्षज दर्शन, वो क्षय प्राप्त हो जाए उसका दर्शन ठीक नहीं। जितना सारे प्राणी हैं जितना सारे मानव जितना सारे प्राणी है जितना सारे मनुष्य जात सब का अंदर में जो दर्शन है सब पक्का दर्शन नहीं है, इसको अक्षय दर्शन बोला है तो क्षय प्राप्त हो जाएगा दर्शन पक्का नहीं। हमने बताया का आप ऋग्वेद से ओम तद्विश्वम परमम पदम सदा पश्वन्ति सुरयो दिव्यो चक्षुरा ततम, ये बात को ध्यान देना चाहिए। महाप्रभु का ये विषय है
जब भजनीय विषय जिसको ठाकुर जी को भजन करोगे, भजन का प्रोसीड्योर और जो भजन करता है, जिसको भजन करता है, सब एक एक प्लेटफॉर्म में है। किसी का ऊंचा नीचा हो जाए होगा नहीं, सब अपरागिक भूमिका में है। हैं, तो इस बारे में जीव गोस्वामी पाद जी ने कहे, जो आपका जो मेटेरियल भावना है, चिंता है, जितना विद्या है, सारे आप बाजी लगा दो, जितना मैन पावर है, जितना मनी पावर है, जितना कुछ है विद्या का पावर है, ऑल यू कैन यूज टू नो दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ। वो अपराकित सत्य को जानने के लिए बाजी लड़ा दो, लड़ाई करो, स्टिल यू कैन नॉट कम आउट सक्सेसफुल। क्योंकि ये चतुश्लोकी में आता है, ब्रह्मा जी को ठाकुर जी हम बताए तो मिलेगा, लड़ाई करके नहीं मिलेगा, हम बताए तो मिलेगा। गृहानुगोदितंग मैं कह रहा हूँ ग्रहण कर लो। आ ठाकुर जी ने बताए, जवान हम यथा भाव यद रूप गुण कर्म कह तथैव विज्ञानम अस्तु ते, अस्तु ते मदनो गृहा। आशीर्वाद कर रहा हूँ मैं, ते मैंने आपका अंदर ये सब जो रहस्य खोल जाए। जवान हम कैसा है, हमारा धाम कैसा है, हमारा लीला कैसा है, रहस्य कैसा है, सारे तुम्हारा अंदर में स्फूर्ति हो जाए। मैं आशीर्वाद कर रहा हूँ, ब्रह्मा जी को ठाकुर जी ने कहा। पहले श्लोक में सौरहस्यम ज्ञानम परम गुज्जंग, इस बात को काट फिट काट काट के फेंक दो, विचार नहीं बनेगा तो होगा नहीं। तो जवान हम यथाभाव यद रूप गुण कर्मगत तथैव विज्ञानम अस्तु ते मद अनुग्रह, इसका ज्ञान विज्ञान का सारा परिपूर्ण रहस्य तुम्हारा अंदर में प्रकट हो जाए, ठाकुर जी ने बताया। तो क्या ब्रह्मा जी का अंदर क्या ये ठाकुर जी का रहस्य पता नहीं है, फिर भी इच्छा करके एक गौ वाछर हरण का लीला ये सब हुआ, इसका बाद क्षमा भी मांगा और गोपियों का चरण धूलि लेने के लिए ब्रजभूमि में हमको एक तृण एक गुलमलता बना दो, उद्धव जी जैसे ब्रह्मा जी भी बहुत सारे ये प्रार्थना है। रस का अनुभव नहीं है तो ये कह नहीं सकता। ये जो रामानुजाचार्य जी आदि सब ने, सब बाकी आचार्यों ने ठाकुर जी का ये जो ठाकुर जी का जो बच्चा बन के आविर्भाव होना, इस विषय पर थोड़ा ऐसा लिखा है जैसे लगेगा कि सच्चिदानंद कृष्ण विग्रह ये आदि नहीं है, जबकि ब्रह्म संहिता में ठाकुर जी का ही ये अवदान है। ब्रह्म संहिता आज अगर हमारा पास नहीं उपस्थित होता, ठाकुर जी नहीं लाते तो कहाँ मिलता। प्रमाणों में ये पहला आता है ब्रह्म संहिता, ठाकुर जी ने स्वयं बताए ब्रह्म संहिता, और ब्रह्म संहिता ये तत्व सिद्धांत में टॉप मोस्ट ठाकुर जी का बारे में, और धाम है, बलदाव जी का तत्व है, सब इस बारे में, सब ब्रह्म संहिता में सारे हैं ये सब विषय। महाप्रभु का ही अवदान है, महाप्रभु ला के खड़ा कर दिया है। सहस्रपद्म सहस्रपत्रम कमलम गोकुलाक्षम महत्पदम तत्कर्णिकारम तत् अनंतांश संभव, किसने बोला। ब्रह्म संहिता लाया महाप्रभु ने, फिफ्थ चैप्टर को ब्रह्म संहिता बड़ा है, फिफ्थ चैप्टर में विशेष है, तब ना आपको पता चला जो धाम तत्व बदलाव तत्व है, धाम बड़ा करुणामय है। और जितना सारे विषय है गुप्त रहस्य ये सब है। अब माधवाचार्य जी ने जितना तक ठाकुर जी का आदेश हुआ उतना तक बता दिया, उसका बाद बताया नहीं। माधवाचार्य जी का संप्रदाय में गोपी भाव लेके नाचना ये विषय प्रभुपाद जी अपना पत्र में, प्रभुपाद मिला प्रभुपाद प्रभुपाद के पास जो जाके देखा है, मधुसूदन क्या नाम है उसका, आचार्य है वो, बड़ा आचार्य किसी, उन्होंने लिखा हमने देखा बड़ा आश्चर्य गोपी भाव लेके डांस कर रहे सब। तो वो बाकी बाद में जो संप्रदाय का भावना है, महाप्रभु इसका प्रतिवाद किए चैतन्य चरितमृत इसका विषय में है, बाकी जो आदमी हैं इसको उठाकर बोलते हैं महाप्रभु जी ने खुद बताया तुम्हार संप्रदाय ये है, तुम्हारा संप्रदाय में अपना संप्रदाय बोल के अपनाया नहीं। इसका मतलब है महाप्रभु का समय में ये जो माध्वाचार्य जी के जो सिद्धांत तो है थोड़ा तोड़फोड़ चेंज हो गया। जैसे चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत तो अभी राधा कुंड में जाओ इधर उधर जो सहजिया समाज में पूरा उल्टा, यहाँ तक कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने हैरान हो गया
एक दफे भक्तिविनोद ठाकुर जी मेदिनीपुर सिटी, मेदिनीपुर शहर है उससे बहुत दूर, मेदिनीपुर तो पूरा एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, मेदिनीपुर शहर भी है, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह गए ठाकुर जी भक्तिविनोद ठाकुर जी। जाने के बाद वहाँ का भक्त समाज हैरान की बात है, भक्तिविनोद ठाकुर जी गया, बड़ा माला फूल दे के पूजा किया, फिर उसका बाद भक्तिविनोद ठाकुर जी को इशारा किया, आपका लिए पहला रात जो मनाता है ना शादी का बाद, वो आपका लिए तैयार है आप। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पागल हो गए, क्या बोल रहे हैं, सब पागल कुत्ता है क्या, लिखा है प्रभुपाद लिखा, पर भक्तिविनोद ठाकुर पागल हो गया, बस छोड़ फोड़ के फिर उधर छोड़ के 8 माइल पैदल रात को जाके दूसरे भक्तों का घर में जाके विश्राम किया। बोलो क्या बात है, गौरंग भी का संप्रदाय है, संकीर्तन भी करता है, लेकिन ऐसा उत्पाटांग है, तो ऐसे ही मध्वाचार्य संप्रदाय में थोड़ा उत्पाटांग हो गया। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु का सारे विषय में ये जो अवदान है, इसमें सबसे बड़ा चीज है सब हमारा लिए जो विषय है वो है संकीर्तन के द्वारा ही आपको गुप्त रहस्य मिलेगा। जो रस है अनर्पित चरिम चिरात करुणा बधुरने को, तो ठीक ही है, जो अनर्पित चरिम चिरातो जो दिया नहीं गया, जो गुप्त रस को बंटवारा नहीं किया ठाकुर जी, जो बाद में बंटवारा किया ठाकुर जी, जिसके लिए आए हैं ठाकुर जी, ये अनर्पित चरिम चिरात करुणा बधुरने कलो करुणा करके कलिकाल में ठाकुर जी आविर्भाव हुए, और ये पहले दिया नहीं गया, इस रस को देने के लिए ठाकुर जी आए हैं। अनर्पित चरण चिरात करुणा अवतीर्ण कलो समर्पय तो उन्नत उज्ज्वल रसम, उज्ज्वल रस का बारे में थोड़े थोड़े भक्तों पहले जमाने में थोड़ा भजन किया करते थे, लेकिन उन्नत उज्ज्वल रस के बारे में सब उल्टा। दक्षिण भारत में प्रभुपाद जी गए तो वहाँ बड़ा दुख के साथ लिखा है, दक्षिण भारत में अभी भी राधा गोविंदों का बारे में टोटली देयर मिसगाइडेड, टोटली वो लोग सुनना ही नहीं चाहते, ये फालतू ये क्या है, इलीगल है, ये सब बताया। प्रभुपाद जी ने कितना चिल्लाया, आज सब फॉरेन कंट्री जा रहे, हिम्मत है तो जाओ दक्षिण भारत में जाके ये सब प्रचार करो, सब बाहर इधर जाओ, इधर भी तो कोई जाओ, कोई नहीं जा रहा, बड़ा मुश्किल की बात है। तो प्रभुपाद जी ने बताए ये लोग अभी तक लक्ष्मी नारायण का सेवा कोई ऑथेंटिक मानते हैं, अभी भी महाप्रभु जब श्रीरंग में पहुंचे उस बारे में हम चर्चा करेंगे, वो विषय है। तो लोगों का अंदर में उन्नत उज्ज्वल रस का बारे में इतना गलत कंसेप्शन है, इसको स्थापन करना ही श्रीमन महाप्रभु का संकीर्तन का माध्यम तो है ही है, संकीर्तन ना करो तो होगा ही नहीं। ये कहाँ से मिला, बोलो वाराणसी में, कितना एरिया है ना, ये चर्चा 7 दिन तल कुछ भी नहीं। जब महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती के बाद चर्चा की तो प्रकाशानंद सरस्वती ने एक प्रश्न रख दिए, आप मेरा संप्रदाय का सन्यासी हो और हमने क्या अपराध किया, आप आते क्यों नहीं हो हमारा वेदांत तो श्रवण करने के लिए। महाप्रभु ने क्या बता दिया, बोले देखो हमारा गुरुजी हमको मूर्ख देख के बता दिया, तेरा वेदांत में कोई अधिकार नहीं, तू संकीर्तन करते जो इसके आधार है सब मिलेगा। प्रकाशानंद रहस्य बोले कैसी कैसा बात है, बोले हाँ ऐसा ही है, मेरा गुरुजी मूर्खों देखा मेरे को, अब मेरा वेदांत में कोई अधिकार है नहीं, गुरुजी बोला तू मूर्ख है, तू संकीर्तन कर इसके द्वारा ही हो जाए। और संकीर्तन करते करते मैं ऐसा मशगूल हो गया, अंतिम में मेरा संकीर्तन मेरे को गाइड कर रहा, आई एम टोटली लॉस्ट इन संकीर्तन। महाप्रभु ने बताया इस संकीर्तन करते करते मैं खो गया, और संकीर्तन मेरे को हंसा रहा है, रुला रहा है। हम जो आप देखते हैं संकीर्तन करता है और भूमि में गिर जाता है, ये सब हमारा कोई नाटकबाजी नहीं है, आप संकीर्तन क्यों कर, बोले हमारा गुरुजी आदेश किया, हमने ये संकीर्तन हमको सिखा दिया है मंत्र, और महामंत्र हम जपते रहे कीर्तन करते रहे, फिर हम अपना बस में नहीं रहा, पागल बन गया। अब उस समय में ऐसा हुआ, मैं हंसते रहे, नृत्य करते रोते रहे, कीर्तन करते, वो मेरा बस का काम नहीं। बाद में सब लोगों ने शक किया कि क्या पागल हो गया क्या,
तो हमने गुरु जी का पास प्रश्न रखी, गुरु जी मैं क्या पागल हो गया हूँ, ऐसा हो संकीर्तन करते ऐसा हो रहा है? गुरु जी बोले नहीं, यही तेरा मकसद है, मिल गया, वो साक्षात भगवान है, ऐसा जवाब दे रहा है। जैसे शिष्य गुरु जी का पास प्रश्न, हमने गुरु जी को पूछा हमारा जो हालत हो रहा है ऐसा कैसे, अरे संकीर्तन का स्वभाव ही ऐसा है, कृष्ण नाम का स्वभाव ये, जेई जपे तार उपजय भाव, उसका कृष्ण का अंदर में भाव पैदा हो जाता, प्रेम हो जाता, पागल हो जाता, नियम है। महाप्रभु ने हंस हंस के ये सब एक एक करके जवाब दिया। अब माधवेंद्रपुरीपाद जी का अंदर में जो भावना पैदा हुआ कि कौन सिखाया महाराज, अंतिम समय में जो रोते रोते सरोज छोड़ने का पहले, ओय दीन दयार्थनाथ ओय मथुरानाथ कदावलकस्य हृदय तदलोक कातरम दैत ब्रह्मति किम करोमि अहम, हम क्या करें ठाकुर जी, हे गोविंद मेरा शरीर जा रहा है, अब आपको देखने के लिए मेरा इतना बेचैनी, इतना बेचैनी कि मैं रहा नहीं जाए, मैं क्या करें आप ही बताओ। अब उसको गोपी भाव में आकर ओय दीनदयार्थनाथ मथुरानाथ, कितना सुंदर शब्द हो, ये रसिक भक्तों जनों के बिना ऑर्डिनरी आदमी समझेगा, जो बड़ा रसिक है वो समझेगा। ये लोग क्वेश्चन करता है महाराज माधवेंद्रपुरीपाद जी को बोलना चाहिए हे वृंदावननाथ ये मथुरानाथ बता दिया, हाँ बड़ा भारी सुंदर प्रश्न किया आपने, अब आओ सुंदर है, इसमें बड़ा रस की विषय है। ये विप्रलम्ब भाव जो देखिए हमने शुरू किया था, जो हमने शुरू किया था ना, शुरुआत किससे किया था, सब जब ही हम शुरू करें देखोगे उसका विषय एप्लीकेशन है हरिकथा का, जब जिस बात दे के शुरू करे उसका ही रस है। पोपा जी ने क्या बताया था, हम गौड़ी वाले का क्या है, ज मथुर मथुर विरह ब्रजवासी गणों का सेवा करना ही हमारा गौड़ी वाले का भजन का, हमारा भजन का मकसद है, अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट दैट फैसिलिटी। ये तो आ गया ना लाइफ में, मैथमेटिक्स में मिला दिया ना मैंने ओ प्रभुपाद जी ने बताया। और माधवेंद्रपुरीपाद जी का भी हालत यही है, माधवेंद्रपुरीपाद जी क्यों रोया ऐ दीनदयार्थनाथ मथुरानाथ, तो इसका बारे में प्रभुपाद जी ने जवाब दिया कि इसलिए माधवेंद्रपुरीपाद जी का अंदर जो विप्रलम्ब का बेचैनी है, विप्रलम्ब बाप ठाकुर जी नहीं है, मारा जा रहा हूँ, जिस बारे में चैतन्य महाप्रभु नयनम गलद सुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकोर निचितम बपु कदा तब नाम गोहने भविष्यति। ये तो बोला है ना, ये तो महाप्रभु का ही भाग, कब हमारा ऐसा दशा हो कि नाम लेते ही आंसू बरसे ठाकुर जी, आहा विप्रलम्ब भाव। माधवेंद्रपुरीपाद जी का अंदर ये जो विप्रलम्ब भाव का एकदम चरम अवस्था पहुंच गए, और भ्रमर गीता में राधा रानी गोपियों ने जितना रोई है, रो के भ्रमर गीता ये सब बोलना नहीं है, फिर भी टच कर रहा हूं, इसका अंदर में यही भाव है राधा रानी का भाव। पोपा जी ने बताया कि माधवेंद्रपुरीपाद जी का अंदर में ये भाव कहाँ से पैदा हो गया, भक्तिविनोद ठाकुर पोपा जी ने लिखा है कि स्वयं राधा रानी का ही भाव है ये। माधवेंद्रपुरीपाद जी जो वही दीनदयालनाथ मथुरानाथ कह रहे हैं कि ये माधवेंद्रपुरीपाद जी का अंदर में राधा रानी दयामयी का करुणा के द्वारा राधा रानी का ही अपना अनुभव माधवेंद्रपुरीपाद जी का आ गया। अच्छा यस, पौपाद भक्ति में ठाकुर जी ने प्रमाण दिया ये एक्चुअली राधा रानी का ही भाव है। राधा रानी का अंदर में जो भाव है, जो यंत्रणा है, विप्रलम्ब भाव है, इस भाव को राधा रानी दयामयी आ रहा है ना महाप्रभु, इसलिए पहले संपत्ति को दे दिया। ये तो गौरांग ही है, गौरांग ही तो राधा रानी तो उसका अंदर है, ठाकुर जी का अंदर है। तो इसीलिए जब भ्रमर गीता में ये राधा रानी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, ए भ्रमर चालाकी मत कर, जा मुतर को जालता वो चालू है, तू किसका मैसेंजर है, तू दूध बन के आया ना, वो तोरा मालिक को मैं जानता हूँ, बड़ा सट है कपड़ भाग यहाँ से ऐसा कर गाली दे रहा है, वो प्रेम की मारे गुप्त रहस्य है।
मथुरा चला जा इधर से। वो तो मथुरा में गया, हमारा कोई चिंता उसका अंदर में क्या भाव है, हमको तो छोड़ के गया, रुला के गया। ये जो गुप्त रहस्य है माधवेंदु पुरीपाद जी का अंदर है, राधा रानी का ये भाव पैदा हुआ, ये राधा रानी का भाव। और ये भाव ही गौरंग मप्पो आगे चलकर हमको नयनंगल सुधाराया उसका अश्लिष्य वा पदरतम पिनष्टम अदर्शनाथ मर्माहतम करतु वा यथा तथा विदधात लंपटो मत्पन्नथा सुस्वय। ये किसका भाव है? ये राधा रानी का भाव है। गौरंग महाप्रभु जी ने ये जो अश्लिष्य वदरतम बोला इस किसका भाव है? राधा रानी का भाव है। हमको कुछ भी करे व्यवहार, लेकिन ये तो मेरा प्राणनाथ है, ये छोड़ के तो मेरा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। ये गौरंग महाप्रभु बता रहे, लेकिन भाव तो है चोरी किया है ना, चोर है ना ठाकुर जी, वो राधा रानी का भाव है। जब भी ये शिक्षाष्टक में अंतिम में तीन श्लोक बड़ा आश्चर्य की श्लोक। अभी वाराणसी में ऐसा उत्तर दी तो उसको समझाया गया कि संकीर्तन बाद में प्रकाशानंद मान लिया, वेदांतों का बहुत चर्चा हुआ और सार्वभौम भट्टाचार्य जो का साथ, सार्वभौम कट्टोरवादी थे सार्वभौम भट्टाचार्य जो, इसका साथ जो महाप्रभु का चर्चा हुआ, ये भी चैतन्य चैतन्य डिटेल्स में नहीं है। ये ठाकुर जी ने प्रभुपाद का कृपा से हमसे एक किताब नीलाचले वेदांत व्याख्यान ये प्रकाशित हुआ, उसको हिंदी में ट्रांसलेट भी हो गया, वो हरिद्वार आदि हर जगह दिया मठ में, वो लोग क्या सेवा करते हैं वो जाने, हम तो करता है डोनेशन के लिए, ले लो हमारा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग क्या करता है, बैठ के दान करे तब ना समझेगा महाप्रभु क्या विचार है, उसमें भरपूर विचार है, बांग्ला में भी है हिंदी में भी है, कभी मिलेगी आपको। तो ये जो विचार है महाप्रभु जी ने जब समझाया प्रकाशानंद का साथ शंकराचार्यों का, ये जो विचार है ये सब उसमें खास कुछ नहीं है, उस दिन बताया था। अब इसमें जो है विशेष है जो संकीर्तन का अंदर में नाम संकीर्तन ठाकुर जी का, इसका अंदर में सारे कुछ है। जब एक एक करके सिद्धांतों को खंडन करके भक्ति सिद्धांतों को स्थापना की चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में प्रकाशानंद सरस्वती के सामने हजारों हजारों मायावादी महाप्रभु का साथ हरे कृष्ण बोल के नित्य शुरू कर दिया। वो जो माधव जी का बिंदु माधव आदि सब विग्रह है ना, उधर एक विग्रह है सुंदर, हमने गए उधर, वहाँ पूरा शिष्य लोगों के साथ नृत्य शुरू कर दिया, उन्मत्त होके कि प्रेम आ गया, महाप्रभु का साक्षात किया, कृपा हुआ। जब भी मायावादी को प्रेम नहीं मिलता, किंतु साक्षात ठाकुर जी है, मायावादी को भी उद्धार करके दिखा दी है ना। तो महाप्रभु का ये जो उन्नत उज्ज्वल रस का विषय है, उज्जवल रस आया पहले भी थोड़ा बहुत आचार्यों में किया है, लेकिन उन्नत उज्जवल रस जो है एकमात्र उज्जेश्वरी राधा रानी उज्जा व्रत दामोदर व्रत जो बोलते हो, इसको उज्जेश्वरी राधा रानी का नाम पे ऊर्जा व्रत भी कहा गया। ऊर्जा जैसे भागवत में धर्म प्रज्जित कैत्यवत्व नरम परम निर्मत्सराणम सतम, ये जो है धर्म प्रज्जित प्रो माने प्रकृष्ठ रूपेण उज्जितो प्रोजेक्टेड, प्रो का मतलब है व्याकरण में प्रो परा अप अनु बी ये सब लगा के शब्दों का अर्थ को चेंज कर देता है ना, ये शब्दों का सामने बैठ के शब्दों का अर्थ को चेंज कर देता, मैं ताकत बढ़ा देता। ये जो प्रो शब्दों लिखा इसमें सीधा स्वामीपाद जी ने बताया प्रो शब्देन मोक्ष वांछा ओपी निरस्त कृतः, प्रो शब्देन प्रो शब्दों के द्वारा मोक्ष वांछा आदि जो विषय है सीधा स्वामीपाद जी ने बताया इसको काट के फेंक दिए, वो है नहीं भागवत। मतलब हमने बताया था महाप्रभु का अवदान में एक लाइन में अगर बताओ, मैंने हमने ये यहाँ तक बोला कि टोटल गौड़ीय दर्शन का सिनॉप्सिस एक थोड़ी सी शब्द में बता क्या आता है वो, आराध्य भगवान वजस्तनयस्तद्धाम वृंदावनम रामा काचिदुपसना ब्रजवद वर्गे न जाकल्पिता
श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्रादरण पर। यही तो है ना महाप्रभु का, श्रीनाथ जी ने इसमें रख दिया ये शब्दों जो चार लाइन है, इसका अंदर में महाप्रभु का दिखाया हुआ अवदान का टोटल रहस्य इसका अंदर में। भागवत जी महापुराण का अंदर जो प्रमाणावली है, महाप्रभु ने श्रीमद भागवत जी महापुराण को अमल पुराण माना, ये टॉपमोस्ट डॉक्यूमेंट। नरोत्तम ठाकुर जी ने बताया मध्यस्थो सी भागवत पुराण, मध्यस्थो सात्विक पुराण आदि इस सिद्धांत के बारे में ये सामने रखनी चाहिए, नहीं तो होगा नहीं। श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम श्री प्रमा पेमा महान श्री चैत क्यों बल श्री चैत महापौर मतम इदम तत्रादर न परा। माधवेन्द्रपुरीपाद जी को अद्वैत गोसाई का सीपाठ शांतिपुर में आना पड़ा और नवद्वीप में आए, किसी को पता नहीं, और बहुत गुरु रहस्य। जैसे चार संप्रदाय में चार आचार्य जो भी उधर नवद्वीप में गए, भक्तिमय ठाकुर सब प्रमाण दिए। अब ये जो माधवेन्द्रपुरीपाद जी गौरांग महाप्रभु का ही वो जो अवदान, इसको पहले टचिंग कर रहे, इसलिए वो राधा रानी का जो अपना खुद का अनुभव निकल आई, इसको माधवेन्द्रपुरीपाद जी का हृदय में पकड़ भाए और माधवेन्द्र भाई ऐसा बोलना शुरू किए। इसमें रहस्य ये है, जो ठाकुर जी सब गोपियों को ब्रजवासियों को रुला के मथुरा चले गए मर्सीलेसली निर्दय, वो जो सेपरेशन है, कोई महान भक्तों से सुनोगे अकेला घर में, सब व्यक्ति को सुनने का अधिकार नहीं, जिसका अधिकार हुआ रोते रोते पागल हो जाएगा। ठाकुर जी चले गए, इधर का हालत ऐसा है, उद्धव अकेला उद्धव संदेश अक्रूर संदेश पू और अक्रूर का जो आगमन संवाद, ये एक महीना तक एक एक विषय गुप्त रहस्य चर्चा होते रहे, गोपी गीत सब रहस्य के, कौन पिएगा ये सब रस, है कोई पीने वाला है नहीं। तो माधवेन्द्रपुरीपाद जी का अंदर में ये भाव है कि ठाकुर जी मथुरा चले गए और हम लोगों को छोड़ के आप तो आप मथुरानाथ हो गए, क्योंकि राधा रानी का भाव है। राधा ने कह दी कि हम लोग तो एजुकेटेड नहीं हैं, मथुरा में बड़ा शिक्षित सब गोपी हैं, बड़ा उनको जानकारी है आपका सेवा कैसे किया जाए, इस बारे में आप हमारा सेवा तो कुछ नहीं है, अगर होता तो आप क्यों छोड़ के चले जाते, है ना। और मथुरा में जितना ज़्यादा शिक्षित सब गोपी हैं आपको, हम लोग तो मूर्ख है गोपी। लेकिन असली बात तो ये है, जो राधा रानी और गोपियों का अंदर में जो शिक्षा है, किसी का अंदर में नहीं, यहाँ तक कि राधा रानी का अंदर में जो ज्ञान शिक्षा है, हम बोले तो ये मजाक का बात हो रहा, कृष्ण का मंदिर भी नहीं, कृष्ण सो खुद बोला, ठीक भी राधा रानी प्रेम का बातें कह रहा, हम तो मूर्ख है कुछ नहीं जानता, हम लोग हम एजुकेटेड नहीं है, तो वो सेवा अच्छा से करेगा, दे आर ऑल ट्रेंड, दे कैन सर्व यू वेरी परफेक्टली। लेकिन अगर गोपी गीता में हम बताएं ठाकुर जी, तो क्यों राधा रानी का गोपियों का अंदर में ये भाव आया, अगर ज्ञान नहीं है तो कैसे ऐसे भाव आया, पूरा भरीपूर परिपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान का राशि राधा रानी दयामयी का अंदर है, फिर भी प्रेम का भाव ऐसा है कि वो ज्ञान फीका पड़ जाता, ज्ञान प्रकाशित होने से प्रेम का जो आस्वादन कम पड़ जाएगा, ये चैतन्य चरितामृत का सिद्धांत है। पहले हम इस जो टॉपिक आया इसका बारे में ये बताना चाहें, अगर गोपियों का अंदर में ज्ञान का कोई अभाव है तो ये गोपी गीता में क्यों आता है ये प्रसंग, कौन प्रसंग, गोपियों ने कह रहे रो रो के, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्, कौन बताए, गोपियों ने बताए, नखलु गोपिका नंदनो भवान वी आर श्योर यू आर नॉट द सन ऑफ जसोदा हरी, लेकिन ये भाव को आगे नहीं बढ़ाना, जसोदा का नंदन ही अच्छा है हमारा, ये तो ज्ञान नहीं है प्रमाण करने का, हम प्रमाण करते ज्ञान है, नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिलो देही नाम अंतरात्मदिक, सब घट घट में आप बैठे हो परमात्मा गुरु, तो ज्ञान नहीं है तो कैसे ऐसे बताए, लेकिन ये ज्ञान है
ना रहने का बराबर। क्यों? ऐश्वर्य ज्ञानते प्रेम शिथिल हो जाता है। महाप्रभु जी ने और कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाप्रभु का भाव ये भाव को परिस्फुटन किए चैतन्य चैतन्य। जब ही ऐश्वर्य भ्रावेते जगत मिश्रित हो, ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीतो। महाप्रभु जी ठाकुर जी बताए कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे सारा जगत ऐश्वर्य का रास्ता में चल रहा है, सब भजन कर रहा है, ऐश्वर्य हो ऐश्वर्य भावना है। किंतु तो माधुर्य भावना जब ज़्यादा हो जाए परिपूर्ण सेचुरेटेड अवस्था तो क्या होता है, ऐश्वर्य भावना फीका पड़ जाता है। ऐश्वर्य भावना इतना फीका पड़ जाता है ना रहने का बड़ा क्या काम का है। किंतु तो माधुर्य सज्जन में ये ऐश्वर्य भावना तो कामयाब कुछ नहीं हो। भगवान ठाकुर जी हमने तो कोई बना बना के कोई फिलोसफी नहीं बोल रहे, सब टू दी पॉइंट एज पर जस्ट लाइक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, कोई का हिम्मत नहीं इसको तोड़े। जब चैतन्य चरिता में तो ये सिद्धांत तो आता है, कृष्ण भगवान स्वयं स्वीकार की कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख दिए राधिकार प्रेम गुरु हैं आमे शिष्य नट, जखन जेछे जेछे नाचाय नाचिए उद्भट। कृष्ण चैतन्य चैतन्य राधिका प्रेम गुरु मतलब राधिका ही राधिका रानी गुरु है। रूप गोस्वामी पास बहुत सारे ग्रंथ लिखे इधर भी है, राधिका रानी गुरु है, कृष्ण का भी गुरु। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट जखन जेछे नाचाय नाचिए उद्भट। चैतन्य चैतन्य लिखा है साक्षात भगवान के कृष्ण कह रहे वो राधिका का प्रेम गुरु है, वो हमारा गुरु और वो हमको जब जैसे नचाए हम पाकर के वह नाचते रहते हैं, है ना बताएं। तो गुरु जी राधा रानी टॉप मोस्ट गुरु, कृष्ण का भी गुरु, कृष्ण को भी ज्ञान देने वाली राधा रानी है जो ऐसा है। और इधर एक बात बड़ा अद्भुत आता है कि ठाकुर जी ने स्वयं बताया ये जो ब्रजवासियों का भाव है ये भाव का उन्नत उज्जवल रस गोपियों का भाव का परिपूर्ण परिस्फुटन समझ में आई जब चैतन्य महाप्रभु पूर्ण लीला अपना जिंदगी में दिखाए। उसका पहले इतना क्लियर कंसेप्शन रूपानुगो रागानुगो भजन में उतना कंसेप्शन नहीं। ठाकुर जी ने बताए स्वयं कृष्णो जितना ब्राह्मण लोगों ने मेरे को वेद स्तुति करता है इससे भी बढ़कर गोपियों ने मेरे को गाली देता है ना। ठाकुर जी बोलते ये मेरे को वेद ए चुप हो जा, ओम नमो भगवते वासुदेव है चुप हो जा। ठाकुर जी बोलते वो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। जब गोपियों ने गाली देता है कृष्ण बोलते ये मेरे को वेदस्तुति हई तो हरे मोर मन प्रिया यदि मान करी करे भत्सन। प्रिया मतलब राधा रानी प्रिया ना गोविंद जी का और जितना सारे गोपी हैं ललिता अभिषेक आदि। कृष्ण कह रहे हैं बहुत बार गाली भी दिया ललिता है भाग यहाँ से गाली दिए। ये सब कहने के बाद नहीं, ये सभा में ये नहीं है, गुप्त रहस्य है। राधिकार प्रेम गुरु ये तो बता दिया और कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेदस्तुति हुई तो हरे मोर मन। समझा मेरा बात? प्रिया यदि मान कर कर गुस्से में आकर गाली दे दे हरा उठपड़ंग गाली दे दे निकाल दे इसको कोई दरकार नहीं है, भगा दे इसको जगह नहीं। कृष्ण को भगा दिया राधा रानी। ऐसा जो है कृष्ण बोलता है ये मेरा सबसे आनंद लगता है। वेद स्तुति में ब्राह्मण लोग जो स्तुप करता है स्तुति करता है वो भी मेरे को इतना रिझा नहीं सके संतुष्ट कर नहीं सके क्योंकि इसका अंदर में प्रेम का मसला है, गंभीर प्रेम का विषय है। तो ये जो विषय है माधवेंद्र परिपाद जी का अंदर में ओय दीन दयाल तुरा मथुरा नाथ ये राधा रानी का भाव है। जो चैतन्य महाप्रभु आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु का अवतार नित्य है, आगे चलकर बोलने से आप फिनाइट कंसेप्शन आ जाएगा, फिर भी हम बोल दिया क्योंकि उसका बाद ये आया बाहरी दृष्टि। पूरा माधवेंद्र परिपाद का जो ये विषय है अंदर का फोपा जी ने बताए गौड़ियो वाले का अंदर में ये जो माधवेंद्र परिवार का जो भाव है इसका ही ये चल रहा है। हमारा खानदान में जो महाप्रभु दिखाया
कोई कोई आदमी बोलता है हमारा गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु के समय से ही प्रकट भये, बोले ये तो गलती बात है। बोले कैसे, महाप्रभु आने के बाद स्पेशलिटी हो? यस, स्पेशलिटी कैन भी देयर महाप्रभु अपियरेंस के बाद, ऐसा मत बोलो, क्योंकि संप्रदाय का प्रवर्तन करना ये ठाकुर जी का काम नहीं है। लिखा है चैतन्य, संप्रदाय प्रवर्तन कोई ठाकुर जी का खुद का काम नहीं है, ये भक्तों से कराता है, जैसे रामानुजाचार्य से कराया, माध्वाचार्य से कराया, विष्णु स्वामी से निम्बर से, चारों स्वामी चार संप्रदाय आचार्यों ने कर दिया। ये जो ये संप्रदाय का प्रवर्तन कोई ठाकुर जी का खुद का काम नहीं, ये तो हम ये कोई भक्तों से कराता है ठाकुर जी। लेकिन बाकी जो आदमी तर्क करता है, तर्क में आता है, वो बोलता है नहीं ये तो माधवेंद्र, ये तो हमारा गौरंग महाप्रभु के समय से आ रहा है भावना, बोलो नहीं। पूरा माध्वाचार्य का जी दिन हृदय में जो गुप्त रूप में, जब महाप्रभु उधर पहुँचे, वो चर्चा करते 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 महाप्रभु ने उधर साबित कर दिया, आप महाप्रभु ऐसा मजा कर रहे, अरे आपको हमने साध साधन तत्व पूछा तो आपने मेरे को मायावादी सन्यासी देखते गुप्त रहस्य को नहीं बोला, अरे तो गुप्त रहस्य ये है माधवेंद्रपुरी, वो हैरान हो गया, अरे ये तो भक्त है लेकिन मायावादी के रूप में महाप्रभु बाहरी दृष्टि में, और उसमें खराबी भी कुछ नहीं है, क्योंकि महाप्रभु एक दंड ले तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक अहम बहु स्वाम ना, वो तो ठाकुर जी है स्वयं, तो उसमें ठाकुर जी का कोई दोष नहीं लगता, इच्छा करके लिया। उस जमाने में दसों संप्रदाय से संन्यास लेने का प्रकटन था माधवेंद्रपुरी पर, इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग ब्रह्मों को ब्रह्म में समा जाने वाला, ऐसा नहीं। महाप्रभु का कृपा से पहले से ही माधवेंद्रपुरी पाद का अंदर गौरंग महाप्रभु का जो प्रकट जो अजान लंबित हो जो कनकावदा, तो ये प्रकट भय अंदर में, जब ही इतना प्रेम का इतना भरपूर, ये महाप्रभु छोड़कर इतिहास में जब बोले क्यों, बोले ये जो माधवेंद्रपुरी का प्रेम का जो भरपूर खजाना, ये विदाउट चैतन्य महाप्रभु का कृपा संभव नहीं, क्योंकि जिस किस्म का है ये एकमात्र तो महाप्रभु का ही पास है। कृष्ण भगवान, ये कृष्ण भगवान प्रेम दान किए, कृष्णो लता गुलमो सबको प्रेम दान दिए, लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम का दान, जो दान के लिए आया अवदान वैशिष्ट, ये चैतन्य महाप्रभु का अंदर ये स्पेशलिटी है, नॉट स्पेशलिटी, एकदम यूनिक स्पेशलिटी, ये इसका बात होता ही नहीं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब भी वृंदावन लीला में वो बहुत सारे असुरों को नाश किया, सिद्धांत तो ये है कृष्ण भगवान स्वयं असुरों को नाश करना इसका काम नहीं, गुप्त सिद्धांत है, लेकिन बाहर जिसमें में अगासुर बकासुर कंस सबको मारा, लेकिन चैतन्य चरितामृत में सिद्धांत है कृष्ण द्वारे विष्णु करे असुर संहारण। कृष्ण बाहर में है लेकिन वो कृष्ण नहीं है, वो विष्णु उसका अंदर प्रकट होकर सकता है, कृष्ण का ये काम नहीं, वो तो बांसुरी बजाने वाले बंसीवारे, और उसका काम ये सब नहीं है, जब भी ये कल दिख रहा है सब लोग। और ठाकुर जी ने द्वारका लीला में मथुरा लीला में बहुत सारे हंगामा मारपीट किए, बहुत सारे जरासंध राय लड़ाई के बहुत सारे द्वारका में बहुत सारे किया ना, फिर भी अस्त्र धारण किए, लेकिन गौरांग अवतार में ये कोई अस्त्र धारण करने का इरादा नहीं है, विचार नहीं है। यहाँ तक कि जब जगाई मादाई ने इतना बदमाशी किए तो नित्यानंद प्रभु को फोड़ दिया, खून आने लगे, और ठाकुर जी के अंदर में खून कहाँ से आ गया, ये सब क्वेश्चन आएगा, ये भी तुमको बोखा बनाने के लिए। ठाकुर जी का शरीर कोई रक्त मांस का नहीं है, ये सिद्धांत तो किसने दिया, अवदान किसका है, चैतन्य महाप्रभु। सनातन सुन लो, ये गोपियों का अंत, ये जो महिषी का द्वारका महिषी का अंतर्ध्यान, कृष्ण का अंतर्ध्यान, ये सब मायामय है, जोग माया ने करवाया, महाप्रभु छोड़ के कौन बताएगा, सब उल्टा रास्ता भेजा रहे। अरे कृष्ण को तीर लगा मर गया, ये तो देखा है पुराणों में, सब उल्टा पलटा है। लेकिन इसमें महाप्रभु जी प्रमाण दिया, भागवत में लिखा हुआ है, साक्षात रथ आया और ठाकुर बैठा है और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, लिखा हुआ है, सब ऊपर से पुष्प वृष्टि कर ठाकुर जी,
आप आ जाओ, आपका लीला हो गया। और इसमें जो ठाकुर जी का लीला संवरण, कृष्णों का अंतर्ध्यान, और ये जो महिषियों का जो अंतर्ध्यान, सनातन को समझाया, सनातन ये सब मायामय है, इच्छा करके ठाकुर जी ने कराया। जैसे आदमियों का अंदर में गलत धारणा हो, भक्ति प्राप्ति उतना इजी नहीं, जिससे भगवान उद्धव को बता युधिष्ठिर महाराज के सामने नारद जी कह रहे हैं, तो देखो ठाकुर जी मुक्ति दे दान, मुक्ति भी दे देते हैं, ले जा ले जा ले लेगा, ददाते मुक्तिम स्मौन भक्ति योगम, मुक्ति भी दे देते हैं, मुक्ति ले जा, मुक्ति चाहिए ले जा, क्या चाहिए, पैसा चाहिए, जे यथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, ले जा। लेकिन भक्ति नहीं देता, भक्ति इतना सीक्रेट संपत्ति है, यूनिक चीज़ है, भक्ति को संपत्ति मनाए। ठाकुर जी बोला ना भागवत में, मई भक्ति ही भूतानाम अमृतत्वाय कल्प, यही खजाना है संपत्ति। जिसे नारद जी कह रहे हैं कि हे राजन, कृष्ण ददाति मुक्तिम स्मौन भक्ति योगम, भक्ति योग देना नहीं चाहता, ये बड़ा सीक्रेट है। ना 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 ना, वो दूसरा चीज़ ले 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 लेके जा, भाग भाग, क्या चाहिए। लेकिन भक्ति नहीं देता, भक्ति बड़ा रेयर चीज़ है, कि भक्ति बन जाए तो ठाकुर जी को गुलाम बनना पड़ेगा ना। काल बताया था, ठाकुर जी बोल रहा है मैं भक्तों का पीछे जा रहा हूँ, क्यों, अनुब्रजामी अहम पुयायति पुयायति अंग्री रेणु भी, भक्तों का चरण का रेणु के द्वारा अभिषिक्त होने के कारण मैं भक्तों का पीछे पीछे दौड़ता हूँ, क्यों, वो चले जाए और धूलिकन उड़े मेरा मस्तक पे आए, ठाकुर जी का ये विचार है। तो सनातन को समझाया, सनातन एक एक करके बहुत सारे सिद्धांतों, पहले तो बहुत सारे हमको बोलने विचार बहुत सारे हैं, बोलने जाए तो समय भी नहीं होगा, बहुत सारे। पहला बात ये है कि ये जो चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, ये सब विभेद हैं। चित्त शक्ति के द्वारा, ये महाप्रभु का गुप्त रहस्य माँ बोल रहे हैं, चित्त शक्ति के द्वारा चित्त जगत का जितना वैशिष्ट है सब रचा हुआ है, चित्त जगत का, वैकुंठ लोक का ऊपर का, जीव शक्ति के द्वारा ये ततस्था शक्ति, जितना सारे जीव राशि, अनंत जीव राशि सब खेल रहा है दुनिया में अपना कर्मफल के अनुसार। माया शक्ति के द्वारा ये ठाकुर जी नचा रहा है सबको, पूरा दुनिया को चला माया के द्वारा, माया शक्ति, चित्त शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, ठीक है ना। और इसमें आता है ठाकुर जी का शक्ति तो अनंत है, इसमें लादिनी शक्ति, संगमित शक्ति और क्या है, संधिनी शक्ति। महाप्रभु ने कैटेगोरिकली ये सब दिखाया, देखो ये जो संगमित शक्ति, इसके द्वारा आपका अंदर में ज्ञान आता है। जैसे संगमित शक्ति का परवर्ट, संगमित शक्ति जो वैकुंठ जगत में है, गोलोक में है, ये संगमित शक्ति का परवर्ट रिफ्लेक्शन इस जगत में आया, इसका ही उल्टा। जब ही आदमी का अंदर में ये मेरा पत्नी है, ये मेरा स्वामी है, ये मेरा बेटा, वे संबंध बन गया ना, ये वो जो आपका संबंध ज्ञान परिस्फुट मायादेवी का अभी बताया ना, मायादेवी ये करा रहा है, लेकिन ओरिजिनल जो पोटेंशियल शक्ति है ऊपर का, इधर का नहीं है। ये जो संगमित शक्ति के द्वारा ठाकुर जी ने सब कोई का अंदर संबंध जगा दिया, नहीं तो जगत चलेगा नहीं ना, सब तो टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, आइसोलेटेड हो जाएगा ना। हमने बाटी में बताया तो हंसी शुरू कर दिया, हम बोला देखो कैसा ठाकुर जी का बंधन है, कोई रस्सी नहीं है, कोई सीकल नहीं है, फिर भी बंधन है, छूटो घर में, बीबी रोएगी, इधर जाओ बच्चा रो रहा है, क्यों कैसा बंधन भाई, कोई बाहरी दृष्टि में कोई सीकल रस्सी नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के ये बंधन, ये संगीत शक्ति के द्वारा, ओरिजिनल संगीत शक्ति जो है, संगीत शक्ति का परवर्ड रिफ्लेक्शन के द्वारा जितना सारे ज्ञान है, सेंस सारे प्रकट हुए, यहाँ तक कि ज्ञान, विज्ञान, इकोनॉमिक्स, रिसर्च, जो कुछ भी हो रहा है, सारे ये संगीत शक्ति ओरिजिनल जो है इसका, इसके परवर्ड रिफ्लेक्शन, इसके द्वारा मजाक चल रहा है पूरा जगत में, समझा। लेकिन गुरु जी जो अपराकृत ज्ञान दिया एक ये, लेकिन ये जगत का संगीत नहीं है, संगीत शक्ति है, नेगेटिव संगीत नहीं है, ये नेगेटिव संगीत शक्ति। और ऊपर जो लादिनी शक्ति है, जिसके द्वारा ठाकुर जी प्रेम के मारे, प्रेम के द्वारा एकदम बंधन, वो लादिनी शक्ति का
उल्टा रिफ्लेक्शन इधर आया तो सब हीरो हीरोइन में जितना सारे प्रेम संपत्ति, ये जो संपत्ति तो नहीं है फिर भी ये लोग का विचार में संपत्ति है, ये जो मिले ये लादनी शक्ति आया तो उसका अंदर में गदगद भाव आया, प्रेम करके एंजॉयमेंट है, प्यार करके जो मजा है वो सब मिलता है लादिनी शक्ति के द्वारा। आ संगीत शक्ति के द्वारा ठाकुर जी अपराकित जगत में संगीत शक्ति के द्वारा क्या बताया, संधिनी शक्ति, संधिनी शक्ति के द्वारा ये जो धाम है, धाम है ना, संधिनी शक्ति का प्रकटित है, बल्लाव जी महाराज है लेकिन ये संगीत संधिनी शक्ति का, जितना सारे ठाकुर जी का पिता माता भाई बंधु ये सब संगीत शक्ति का, संधिनी शक्ति का प्रकटित नहीं, जैसे गौरंग महापौ का और सादे हैं सब, सब जाते हैं शिवानंद सेन का जो लड़का आदि सब है, सब प्राकृत जगत का पिता माता का मापिक नहीं है, ये है संधिनी शक्ति प्रकटित निजी जन ठाकुर जी का। तो ऐसा ऊपर से जब इसका विकृत प्रतिफलम इस जगत में आए, इसके द्वारा इस जगत में जितना सारे सृष्टि है ये सब दिख रहा है ना, सारे ये सब संधिनी शक्ति के द्वारा उसका विकृत प्रतिफलन। और भागवत में जो सृष्टि का रहस्य है वो अलग सा है, बहुत सुंदर इसमें मिलता है, ऐसे ही हो रहा है। तो ऐसा बात है कि चैतन्य महाप्रभु जी ने एक एक करके विचार करके एक एक जगह जहाँ भी गए, जहाँ भी महाप्रभु गए, पहला महाप्रभु का कहना ये है सनातन धर्मों का जो बेसिक चीज़ है, महाप्रभु बांग्लादेश में, वर्तमान बांग्लादेश, वो ईस्ट बंगाल पहले, वहाँ महाप्रभु जब निमाय पंडित का रूप में गए गौरांग, तब भी उधर कोई पूछने आए तो महाप्रभु का यही काम था, संबंध अभिजय प्रयोजन के बारे में बताए, बोले देखो सनातन धर्म में भागवत धर्म में यही विशेष है, संबंध अभिजय प्रयोजन, संबंध अभिजय प्रयोजन ज्ञान अगर ना हो आपका भजन संभव नहीं, असंभव है। इससे ठाकुर जी का सामने कोई भी आया, तपन मिश्र आया, वो जो सपने में आया ना, सपने में आके कोई बोल रहा है निमाय पंडित आया है उसका पास जा, इतना दिनों से तुम्हारा अंदर में जितना समस्या है साधो साधन तत्व का निर्णय नहीं हो रहा है इसका समाधान बन पाएगा, जाओ उसका पास आया है। वो जाके गिरा चरण में, अब बोले सपने में आए कोई हमको, महाप्रभु मुस्करा बैठो, फिर उसका बाद उसको समझाया संबंधो विद्य प्रयोजन तत्व के बारे में, उसके बाद उपदेश दी गई, उपदेश दिया कि नाम संकीर्तने पाइवे सकल, अगर नाम संकीर्तन करो इसका अंदर में आपको सब मिलेगा, शुद्ध करके विशुद्ध होकर हरिनाम संकीर्तन करो इसमें आपको सब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जीव गोस्वामी बार प्रमाण दिया ठाकुर जी का नाम प्रथम हृदय में प्रकट हो, उसके बाद रूप लीला गुण लीला परिकर जो नाम नाम समझा, नाम नाम परिकर नाम हैं, लीला नाम धाम नाम सब सब नाम ही है, नाम का प्रकार विभेद, हम अगर वृंदावन बोल दिए वो कि नाम का ही प्रकार विभेद हो गया। प्रभुपाद जी का व्याख्या ये गौड़िया मठ का सुंदर, नाम नाम तो है ही है, नाम नाम जगन हो जाएगा उसके बाद रूप नाम गुण नाम परिकर नाम वैशिष्ट नाम लीला नाम सारे धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रकटित हो जाएगा। ये महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ये शिक्षा, ये इसमें अवदान विशेष, वो अगर ना करे तो उल्टा भजन करना शुरू कर दे। महाप्रभु का अंदर में जो विप्रलम्ब भाव, इसका आस्वादन करना चाहो तो लंबा समय लगेगा। महाप्रभु का जो गुप्त अवदान है इसका बारे में चर्चा करने जाए तो साधारण जो आदमी वो पुका पूरा समझेगा नहीं, फिर भी हम थोड़ा बहुत टच कर दे। जे महाप्रभु जी ने जब प्रकट भए तब हमने बोला संकीर्तन का प्रचलन कर दिए, ये तो एक अवदान है। इसके बाद जब महाप्रभु घर छोड़ने वाले हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं निमाय, कब इसका पूरा भरपूर भाव है महाप्रभु का अंदर आ गया, कब, जब महाप्रभु गया जाकर पिंडदान करने का वाहने में गया और उधर से दीक्षा लेके आए, तब उसी समय से महाप्रभु का कोई विशेष फड़क पड़ा, क्या है क्या हो गया,
जब से दीक्षा लेके आ गया पागलपंती, कभी रोता है, सब फेंकता है। क्या हो गया? सोची माने समझे तो पागल हो गया। हाय हाय, मेरा लड़का आया, लौता लड़का पागल हो गया। हाय, सब दवा कराओ, सब ले आया वैद्यो। वैद्य बोला कोई बीमार तो नहीं दिखता, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे? बोला ना ये बीमारी है, वायु का बीमार है, विकार हो गया, पागल बन गया निमाय, सब हो रहा है। इसका बारे में रघुनाथ दास गोस्वाई जी ने सुंदर करके बताया, सुंदर करके जो ये जो जगन्नाथ मिश्रो कदाचित मिश्रावासे बजपति सुतस् उरविरहाद स्रतत्सि संधित्तत् अदधत् अधिगदर्गम भुजवधु का विकल विकल गदगद वचा। ये जो श्लोक है बड़ा व्याख्या होगा, सुंदर, बड़ा सुंदर। कदाचित मिश्रो मिश्रावासे, कदाचित पूर्वे अचानक मिश्रा मिश्रावासे मिश्र जगन्नाथ मिश्र का भवन में अचानक ठाकुर जी पागल हो गया। अभी ये सब लीला कर, क्या हो गया इसमें, पागल हो गया। कदाचित मिश्रावासे ब्रजपति सुतस्व उरविरहात, ब्रजपति कौन है? नंद महाराज। ब्रजपति सुतो मतलब नंदो के छोड़ा। ब्रजपति सुतस्व उरविरहात, उरु माने पुरु, विपुल विरह यंत्रणा, उरविरहात संस्कृत शब्द है ना, बड़ा डेकोरेटेड भाषा है। कदाचित मिश्रावासे ब्रजपति सुतस्व उरविरहात स्लतत्सन्धित्ता अदत्त अधिकम अधिकम भुजवधो का विकल विकल गद गद वाचा। ये जो है ठाकुर जी का लंबा हो गया हाथ पा, आंखें ऊपर हो गया, क्या हो गया दी, तो मर जाएगा। वैद्य बुलाया, वैद्य बोले कुछ दिखता नहीं, कोई बीमारी, वायु का प्रकोप है लगता है। एक दिन ठाकुर जी ने, सब पागल हो गया, अरे क्या हुआ हमारा प्रभु का, क्या हो गया। लेकिन ये क्या है, रागानुगा भजन का फर्स्ट एग्जीबिशन शुरू हुआ। दैट वाज द फर्स्ट एग्जीबिशन ऑफ रागानुगा भजन। रागानुगा भजन कैसे किया जाए, वो कैसा भाव है, इसको फर्स्ट एग्जीबिशन शुरू हो गया। ये पहला, किसी को पता नहीं चला। एक दिन ठाकुर जी मजाक करके शिवास को बोला, शिवास सब बोलता है मैया वायु का विकार, दिमाग खराब हो गया, तू क्या समझता है। सिवाय ठाकुर जी मेरे को तो ये लगता है जिस काम के लिए जगत में आए हो, अवतीर्ण हो, उसका शुरुआत हुआ। अरे तू अगर बोलता मेरा दिमाग खराब हो गया तो गंगा में छलांग लगा के शरीर को समाप्त कर दे। तैने ठीक समझा, तू ठीक समझा, तू अगर उल्टा बोल देते लोगों का माफिक, हम जाके गंगा में डुबकी लगाते। जा, अच्छा हुआ कि तुम्हें समझ में आया। हाँ, ये पहला एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट नहीं, वो एग्जीबिशन शुरू हुआ। इसका बाद आगे चल के महाप्रभु विष्णुप्रिया जी का साथ बड़ा गंभीर रहस्य, विप्रलम्ब भाव जो विष्णुप्रिया जी के है, इसको बदमाश लोगों ने मिला जुला कर उल्टा एकदम डाटी बना देता। विष्णुप्रिया देवी जी का साथ गौरांग महाप्रभु कभी भी ये सब विषय नहीं है, विप्रलम्ब का विषय बड़ा ऊँचा। कभी हम विष्णुप्रिया का, विष्णुप्रिया जी का तत्व को ऊपर एक किताब निकला 8 साल पहले, बंगला में है वो, क्या करें हम, बड़ा सुंदर, उसमें गंभीर रहस्य सब डाला गया चैतन्य महाप्रभु। क्या विष्णुप्रिया देवी का साथ, ये जो विप्रलम्ब महाप्रभु का विप्रलम्ब भाव, क्योंकि महाप्रभु का अंदर तो राधा रानी है ही है, वो विप्रलम्ब भाव को बढ़ाने के लिए ये विष्णुप्रिया जी का जो लीला है, ये इट्स वन काइंड ऑफ केमिस्ट्री में जैसे कैटलिस्ट बोला जाता है, ये कैटलिस्ट। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर हैं, अगौर नाम का नामाचार्य जी, नाम का आचार्य यानी है ये विष्णुप्रिया देवी। ये सब बड़ा गंभीर विषय, कभी भी संभोग लीला कभी भी विष्णुप्रिया देवी गौर का अंदर नहीं है, लेकिन ये बदमाश लोग, इतना बदमाश है, उल्टा करके सब मिला जुला के इसका जवाब दिया गया विष्णुप्रिया तत्व में। ये सब गंभीर रहस्य, कभी भी ठाकुर जी का साथ विष्णुप्रिया जी का गौरंग महाप्रभु का साथ ऐसा संबंध नहीं था, संभोग लीला नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो लोग रास रचाता है विष्णुप्रिया गौर को झूला में बैठा करी, ये तो दोनों लीला में अपराध कर दिया। एक तो है गौर लीला में स्पेशलिटी है, इसको तोड़ दिया, इसमें गौर लीला में अपराध,
और राधा गोविंद लीला भी समझ नहीं पाए तो इसका चरण में अपराध कर दिया, दोनों वेदना रख में जाए। बड़ा गंभीर विषय है चर्चा। चैतन्य महाप्रभु जी ने पहले ही ये लीला शुरू कर दी, क्योंकि आगे बढ़कर जब संन्यास लेने का बाद जो ठाकुर जी का अवस्था हुआ वो देखने का लायक है, बड़ा आश्चर्य का बात। तो आगे चलकर जब गंभीरा मंदिर का अंदर, ये तो ठाकुर जी ने बहाना बनाया, गंभीरा मंदिर का अंदर विप्रलम्ब रस का टोटल जो ये जो अनुभव है महाप्रभु जी ने दिखाया। जो सहजिया लोग सब कोई को रागणु का भजन के बारे में बंटवारा करना चाहते हैं उसका पास में मेरा ये एक विनती है, क्यों चैतन्य चरिता में तो मैं ये लिखा गया कि बहिरंगा लैया करे नाम संकीर्तन, अंतरंगा लैया करे रस आस्वादन। ये बात को हमको बताओ, जो लोग रूपानुगो रागानुगो भजन का हल्ला मचा रहे उन लोगों के सामने ये क्वेश्चन है चैतन्य चरिता में तो यो क्यों कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्यों ये रखा, क्यों जो कि इसका अंदर में ये भाव क्यों है, क्यों यहाँ लिखा गया ठाकुर जी बहिरंग व्यक्ति को लेकर संकीर्तन के एकदम अंतरंग पर्षद जो है उन लोगों को ले गए अंतरंगा रहस्य रस आस्वादन की। यहाँ तक कि गौर लीला में भी ये देखा गया जो कोई अगर गौरंग महाप्रभु का जो संकीर्तन रास है सेवा अंगन में, इस अंदर में भी किसी को एंट्री नहीं दिया गया। सुबह में होता है ना जो शुक्लांबर ब्रह्मचर्य इतना बड़ा ताकतदार है इतना, अरे तू क्या समझता है दूध पीता है इसका मतलब दूध दूध पीता बाबा है तू, दूध पीने से ही क्या हम मिल जाए। ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु निकल, बहुत सारे आदमी को निकल दिया गया, इसका मतलब क्या है ये विचार कर। इसका मतलब संकीर्तन रास में गौरांग महाप्रभु का सब कोई का अधिकार नहीं है, है ना। चैतन्य भागवत चैतन्य जी देखो तो विचार आएगा। संकीर्तन रास में अपना भक्तों को लेकर ठाकुर जी ने रास किया, ठीक है गौरांग महाप्रभु, बाहरी किसी आदमी को प्रवेश अधिकार नहीं दिया। जब ही वो लोग गौरांग महाप्रभु गंगा नहाने गए तो ब्राह्मण लोग साफ दिया, काल गया था संकीर्तन में अंदर घुसने नहीं दिया, साफ दे देंगे तुमको, जाओ संसार का कोई शांति आनंद नहीं मिलेगी तुमको। महाप्रभु ने हंसा, यही तो चाहता, ये तो आशीर्वाद है मेरे लिए, तुमको संसार का आनंद नहीं मिलेगा। महाप्रभु हंसा, बोले यही तो आशीर्वाद है, अभिशाप का रूप में तो यही तो मेरा आशीर्वाद, मैं तो नहीं चाहता। उसका बाद ही संन्यास लिया, बस चला गया। संन्यास लेने का बाद जो संकीर्तन आदि की है महाप्रभु, बहुत सारे गंभीर अवदान है। फिर 12 साल जो गंभीरा मंदिर का अंतर प्रकोष्ठ में गुप्त रूप में जो ठाकुर जी आस्वादन किया राय रमानंद सर्व दामोदर के साथ, पहला बात मैं खुद आम ये बताना जरूरी है, जितना सारे जीवात्मा इस जगत में है, जीवात्मा छोड़ दो जो ह्यूमन बॉडी लिया है उसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों भाव आता है ना। महाप्रभु का अवदानों में ये श्रेष्ठ अवदान है, किसी को महाप्रभु ये भावना में बताया कि कभी स्त्री पुरुष का भावना नहीं रखना, नहीं तो रागानुगा रूपानुगा भजन में आप रागानुगा भजन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक का उदाहरण दे दे, राधा गोविंद जी का जो गुप्त रहस्य है वृंदावन का अंतर प्रकोष्ठ में जो लीला, ये अनुभव में लाना संभव नहीं। जब गौरांग महाप्रभु लीला प्रकट की उसके बाद देखा गया जे चैतन्य महाप्रभु जो अपना लीला में सब दिखाए और राधा गोविंद जी क्या कर रहे उसका अप्लाइड फॉर्म गौरांग महाप्रभु दिखाया। राधा गोविंद लीला जी, राधा गोविंद जी का जो गुप्त लीला है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन गौर लीला, समझा मेरा बात। राधा गोविंद जी अंतर प्रकोष्ठ वृंदावन क्या कर रहे हैं दोनों गोपियों के साथ, ये जो इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है क्या है, यही गौरांग लीला। तो गौरांग महाप्रभु एक एक काल के उदाहरण दिया किसमें तुमको सावधान होना चाहिए। काल हम बताया, छोटा हरिदास का विषय में इतना पनिशमेंट हुआ ये सोचने का बाहर। लेकिन एक
प्रद्युम्न मिश्रो बोलकर कोई भक्त आकर ठाकुर जी को बताए, आपका सामने मैं थोड़ा हरिकथा सुनना चाहता हूँ, कृपा करके। यदि ठाकुर जी ने बताया कि हम तो हरिकथा नहीं जानते, हम ये राय रामानंद जी का साथ पास जाके सुनता हूँ, आता है सुनता हूँ, तो अभी नहीं है, वो आपका मैके में है, वो उसका घर है पुराना, हम गया था पूरी से 8 किलोमीटर दूर, 8-10 किलोमीटर दूर, मतलब उधर गांव का घर में है, उधर अपना घर में है, आप उधर जाओ, उधर जाके हरिकथा सुनो, इनके पास बताए। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो, ठाकुर जी आदेश किए, वो चला गया। और जाने का बाद घर में मुकान जाके वो नौकर चकर है, बोला हम आए कहाँ से आए, बोले प्रभु जी ने मेरे को भेज दिया और राय रामानंद जी का साथ मेरा थोड़ा हरि कथा सुनेंगे। अरे वो तो व्यस्त है, अभी व्यस्त है तो किस काम में व्यस्त है, बोले अंदर में जितना सारे जो ठाकुर जी का दासी है, जो देवदासी, उन लोगों को लेकर एकदम छोटी छोटी सब यू नो हैं यंग बैच, वो सब लेके देवदासी को लेकर नृत्य गीत और अनुशीलन सिखा रहा है। वो तो घबरा गया, अरे ये क्या बात है, हमने सुना कोई लड़की का साथ देखना भी मुश्किल है, ये तो उल्टा हो गया, हप इधर क्या करे। कुछ देर तक वेट किया, फिर आ गया प्रभु का पास आया, प्रभु जी ने अंतर्यामी सब जानता, क्या हुआ हरि कथा सुना क्या, ऐसा है कि व्यस्त थे वो, कुछ काम पे हुआ नहीं। ठाकुर जी बोला देखो अंतर्यामी है, ठाकुर जी बोला देखो एक राय रामानंद है ओछ अधिकार, ताते जानी अप्राकृत शरीर तहार, गलती नहीं समझना, वो इस सेवा में व्यस्त थे। एक राय रामानंद है त्रिभुव 14 भुवन में, ब्रह्मा का भी विकार हो जाए हमारा भी कुछ विकार हो जाए, ठाकुर जी बताए मजा करके, एक राय रामानंद है उसका कोई विकार नहीं है, उल्टा नहीं समझना, वो राधा रानी का निजीजन है, वो राधा भाव आरोप करके वो जो देवदासी उसको सेवा करती है, अपना नहलाती नहाने का व्यवस्था कपड़ा चेंज सब निर्विकार। जब महाप्रभु, मेरा ये क्वेश्चन है, जब महाप्रभु अंतर्जामी हैं, एक को इतना पनिशमेंट दिया क्योंकि उसका अंदर में भोगने का वासना है, और राय रामानंद बारे में इतना टॉप मोस्ट डिजिग्नेशन देखा, ए डिजिग्नेशन दिया, राय रामानंद शोर के दुनिया में किसी का इतना अधिकार नहीं है, तो आप सोचो रूपानुग भक्त रागानुग भक्त क्या है ना, जो रागानुग भक्त का हल्ला मचा रहा है उसको हम पूछे क्यों ऐसा बताया गया, जे अंतरंगा लैया करे रासा सदन, क्या तो खुल्ला में खुल्ला ओपनली बता दे, महाप्रभु तो ये नहीं किया, किया लेकिन ये लोग बोल रहे हैं बंटवारा कर दिया जाए। भागवत में कोई शास्त्र में सब प्रभुपाद का विजय भक्ति में ठाकुर केशव गोस्वामी महाराज का विचार में किसी जगह ये भाव नहीं, हम एक एक करके प्रकाशित हो रहा है अंग्रेजी में एक किताब भाई सहजिया आर यू गौरिया, ये तो हिंदी में हुआ, वो टॉपिक्स अलग था, इसमें ये अलग टॉपिक्स है। जो भी है, अभी चैतन्य महाप्रभु ये जो गंभीरा मंदिर का अंदर प्रकोष्ठ में, अंतर प्रकोष्ठ में जो सब आस्वादन की, वो परवर्ती काल राय महाशय और ये जो सर्व दमदर, इससे साहब रूप गोसाई सनातन गोसाई सबको महाप्रभु कृपा की, साहब धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ धीरे धीरे, और बाकी दुनिया में धीरे धीरे ये जो रागानुग भक्त रूपानुग भक्तों का जो विषय है पूरा हमारे पास आया, जिसको हमने शुरुआत में बोला उन्नत उज्जवल रसम सवक्ति श्रेयम, उन्नत उज्जवल रस क्या है, राधा रानी क्या कर रही है, वो कोई कोई लड़की नहीं है, कृष्ण कोई मटेरियल हीरो नहीं है, वो हीरोइन नहीं है, जबकि हमने भागवत का प्रमाण से महिमा का जो प्रमाण है उसमें बता दिया सौसा। अब बात यह है कि महाराज हमारा दिल में तो बिल्कुल ये बैठता ही नहीं, अब तो फिलोसफी बता दिया। एक बात बताए कि ये भगवान श्री कृष्ण का बारे में 2 दिन पहले हमने बताया, जब परीक्षित महाराज जी ने क्वेश्चन किया, भगवान श्री कृष्ण उठपटांग कर दिया है ना, परीक्षित महाराज इच्छा करके क्वेश्चन की, जब भी हमारा अंदर में क्वेश्चन आए
अब तो काम जदुपति ही कृतवान वही युगुप्सित। क्या उल्टा पलटा कर दिया, ये गोपियों को लेके तो उसका उसका तो स्वामी है सब, इससे तो ठीक नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जी बोलाए देखो राजन, और किसी के लिए बात दूसरा है। जब अनंत ब्रह्मांडे अनंत ब्रह्मांड में अद्वैत ज्ञान तत्व एक कृष्ण ही है, वदंती तत्तत्वीदम सत्तम यद ज्ञानम अद्वयम, ये कृष्ण ही है, कृष्ण में ही होता है सेटिस्फाई। कृष्ण छोड़ के दुनिया में कोई कुछ नहीं। व्हाट टू स्पीक अबाउट लड़का लड़की, क्या बातें कर रहे हो आप? बोले हाँ ऐसा तो लगता है उल्टा किया। तब सुखदेव गोस्वामी ने बताए गोपीनाम तत्पतिनाम च सर्वेशम एव देहिनाम, हैं गोपीनाम तत्पतिनाम च सर्वेशम एव देहिनाम, हैं उसमें काल पशु बताया था इस श्लोक को। सब कोई का अंदर में ठाकुर जी बैठा हुआ है। जत किरण नहीं हो देह भाग गोपीनाम तत्पतिनाम च सर्वेशम एव देहिनाम, जो अंतश्चरः साध्यक्ष किरण नहीं हो देह भाग, वो तो कीड़ा करने के लिए अपना जो शक्ति को प्रकाश की लादिनी शक्ति को, और राधा रानी लादिनी शक्ति संविद लादिनी शक्ति का एकदम टॉप मोस्ट, राधानी लादिनी शक्ति का सार है। राधा रानी है ना गोपियों, राधा रानी सपनों से और गोपियों सब है लादिनी शक्ति का सार सब। तो इसमें आता है जो बार बार हम प्रमाण दे फिर भी बद्ध जीवों का अंदर में भावना है, जहाँ जहाँ नेत्रों परे तहाँ रक्त मांस स्फुरे, वो लड़की बैठी हुई है वहाँ लड़का बैठा हो तो भावना आएगा, क्योंकि मेटेरियल है। ये लोग नाम नहीं किया, महापुरुष का संग नहीं किया, भजन नहीं किया, तो इसका अंदर में ये तो रहेगा। तो इसका लिए कि उदाहरण दे दे कि जड़ जगत का किसी आदमी किसी लड़की का साथ कुछ किया, ये तो केस हो जाएगा ना, ये पनिशेबल है ना, कुछ उल्टा सीधा किया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा गंदा बात मत सोचो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सब कोई का अंदर है। जो आप कह रहे हो कि ये जो गोपी हैं गोपियाँ हैं गोपियों का जो स्वामी है उसका अंदर में कौन है, तो कृष्ण है ना, कृष्ण सभी का अंदर में है। वो जो स्वामी बोल के जो पुकार रही है वो स्वामी का अंदर में कृष्ण है, तभी स्वामी ये शब्द ये जो प्रयोग है एप्लीकेशन हो पाता। गोपीनाम तत्पतिनाम च सर्वेशम एवं देहिनाम, जो अंतश्चरः स अध्यक्ष किरण नेह देह, सब कोई का अंदर कृष्ण है। क्या लड़की क्या लड़का, हमने बताया ना कल जो सब लड़की लड़का ये सब कर्मफल का अनुसार एक बॉडी दे गया, इसका एक चिन्ह है लिंग है, इसके द्वारा ये समझती है हम लड़की है, ये समझता है लड़का है, ये समझता है मैं गाधा हूँ ये गुड़ हूँ, सब मायादेवी का चक्कर। कोई लड़का लड़की नहीं है, क्यों क्यों महाप्रभु क्या अवदान दिया, महाप्रभु ने विचार बताया जो हम गोपी भरतुर पदकमलोर दासो दासानुदासहा, यही तो पूछा दिया ना हम विप्पो न च नरपतिर ना पिवश्यो न शूद्र न हम वर्णी न च गृहपतिर न वनस्वा किंतु प्रद्वन निखिल परम पूर्ण पूर्णमिताध्येर गोपी भरतुर पदकमल और दासुदास, यही परिचय दिखाया ना महाप्रभु का अवदान किया। महाप्रभु बोले ना हम ब्राह्मण है ना वैष्णव है ना लड़का है ना लड़की है ना राजा है ना प्रजा है कुछ भी नहीं, सब गलती है, सब माया में उलझे हुए। असली परिचय आत्मा को खोल दे तो आत्मा किसी का अंदर में जो पुरुषाकार भोगने का आई एम ए मैन आई कैन एंजॉय विथ ए लेडी, ये जो है ये जो बात है ये पूरा भ्रांत दर्शन है, टोटली रॉन्ग कंसेप्शन। फिर भी जगत में संसार नहीं चलेगा, ये तो रहेगा, माया देवी का प्रसाद है। किसी का अंदर में ये भोगने का जो विषय है जो एंजॉयिंग मूड, ये जो एंजॉयिंग मूड इसको ही बोला जोशी संग, इफ यू हैव एन एंजॉयिंग मूड, किसी वस्तु किसी व्यक्ति का ऊपर आपका थोड़ा एफिनिटी है इसको काटो पहले, इसको जोशी संघ बोला गया। किसको रुपया पैसा के ऊपर दिलचस्पी है वो जोशी संघ कर रहा है रुपया पैसा, प्रतिष्ठा का भी जो प्रतिष्ठा रूपी जोशी आ गया, रघुनाथ गोसाई के काल बताया था ना, प्रतिष्ठा सबसे बड़ा जोशी है।
और कामिनी कंचन को भोगे, कामिनी को भोगे, कामिनी एक बोले हम मर्दान को मर्दाना हैं जो है वो सब गलती भावना, इसमें कुछ खास नहीं है। ये जो भावना है इसमें एक उदाहरण हम दे दे कि जैसे एक हमने बोला देखो वो प्राकृत जगत का जो प्रेम का विषय है वेरी माइन्यूटली सुनना, अप्राकृत जगत में राधा गोविंदो गोपियों का अंदर में जो प्रेम है क्यों इस बात को आनंद माना जाता है, क्यों अनंत ब्रह्मांड में ये सबसे ऊंचा सगाई है, वो आनंद है सबसे ऊपर। अब जबकि ये जगत का कोई पुरुष स्त्री का संबंध को घृणा माना जाता है, किस लिए? भगवान श्री कृष्ण के साथ जो संबंध है टॉप मोस्ट है। इसका उदाहरण देने जाए तो हम ये बताना चाहे कि एक वृक्ष है, एक वृक्ष है ना, ये वृक्ष एक तालाब का किनारे में, ध्यान से सुनना, एक वृक्ष है ऐसा तालाब का किनारे में, एक तालाब है, तालाब में एक साथ पिक्चर है, ध्यान देना, तालाब का अंदर में जो पिक्चर है, पिक्चर का पूरा जैसे ये नारियल वृक्ष या ताल भी कोई भी है लंबा, उसका पिक्चर आया, हवा का झोंका आया तो पानी में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, वह पानी हिलना शुरू कर दिया, तो आप देखोगे तालगाछ हिल रहा है, तालगाछ नहीं हिल रहा है, ये तो लाइट का रिफ्लेक्शन का एक तो। अब और एक विषय बड़ा जरूरी है, इसको ध्यान देना, इसमें देखोगे तालगाछ का जो उसका जो सिकड़ है जड़ है वो पानी का एकदम निकट, ये पानी का तालाब इधर है, ये पानी का तालाब, और लगता है कि जड़ है वो नीचे है, हाँ? और ताल वृक्षों का जो ऊपर जो है ताल वृक्षों का टॉप वो नीचे चला गया, जो ऊपर का वो नीचे चला गया, नीचे का है सामने आ गया, है ना। वेदांतों में बड़ा सुंदर सुंदर उधर, अभी समय नहीं है, वो कर नहीं पाए, भागने का चक्कर में है, उधर सुंदर बताएगा। जो ये जो तुम ये जो राधा गोविंद का विषय उन्नत उज्ज्वल रस, इसको ऐसा उदाहरण मान लो कि ये जड़ जगत का जो लव मैटर है इतना घृणित है, उतना ही टॉप मोस्ट है वो अप्राकृत जगत का विषय, समझा नहीं मेरा। ये जगत में जिस वस्तु जितना घृणित है ठीक वो जगत में वो वस्तु उतना आनंददायक है, समझा मेरा। उस जगत में जो वस्तु सबसे उन्नत उज्जवल सब टॉप मोस्ट इसका ऊपर है ही नहीं, उसका ही परवर्टेड रिप्लेसमेंट पड़े वो घृणित हो जाता है, समझा। क्योंकि यहाँ बहु नायक है, बहुत हीरो बहुत हीरोइन का कंसेप्शन है, जब भी कोई हीरो हीरोइन नहीं है कि तो भोगने का कंसेप्शन है, तो हीरो हीरोइन मना जाए, क्यों ना मना जाए। तो यहाँ बहुत सारे हीरो हीरोइन का कंसेप्शन है, दैट्स वाई इट इज डिरोगेटरी आई एस एच सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट, उसको चेंज करना चाहिए क्योंकि केस हो जाएगा। और ऊपर का जो है ठाकुर जी एकमात्र हीरो है, आनंद ब्रह्मांड कुछ है ही नहीं ठाकुर जी छोड़कर, कहाँ से तुम्हारा लड़की लड़का का कंसेप्शन आ गया, जो ठाकुर जी छोड़ के कुछ है ही नहीं, वो अपना जो शक्ति है उसको एक्सपेंशन किया करके लीला रचर है। महाप्रभु का शिक्षा का गंभीर जो है ये बड़ा आश्चर्य है। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने इसको बताया, आमना यो प्राह तथ्यम हरिमी हो सर्वशक्तिम रसाध्यम तद भिन्नांशांश जीवान प्रकृति कबलितानो विमुक्तांश भावा। ये जो श्लोक बताया, भेदा भेद सकलमोपि हरे हे शुद्ध भक्तिम साधो तत्प्रीतिमेव इति उपदिशति गौरचंद स्वयं स आमनाय प्राह तत्यम हरिमीह सर्वशक्तिम रसाद्यम। ये जो श्लोक है कभी इसका व्याख्या करे, वो महाप्रभु का अवदान क्या है, अब तो हम टाच करके जाएंगे। आमनाय प्राह माने आमनाय मतलब वेद, महाप्रभु बताएं ये वेद से ही सब आया है, शब्द प्रमाण वेद से ही है। आमनाय प्राह तत्यम हरिमीह सर्व मी हरिमीह सर्वशक्तिम रसाद्यम, हरि का साथी तुम्हारा संबंध है और किसी का साथ है नहीं, और ये रसों का अनंत सागर हरिमीह सर्वशक्ति सर्व
सर्वशक्ति रसाद, ये जो अमनाय प्राह तत्यम हरिमी हो सर्वशक्ति रसाद्य, सर्वशक्ति इसका अंदर ही है शक्तिमान तत्व और रसो का अनंत समुन्दर है। तब भिन्नांश अंश जीवान प्रकृति का बलितानो, ये सब जीव दिख रहे हैं ना अनंत जीव, ये सब जीव अभी माया का चक्कर में है, महाप्रभु का सिख अवदान का ये ठोस पूरा समझ लो। ये जो जीव सब है इसका अंदर में माया है। ठाकुर जी ने गीता में बताया जे ये लोग माया में उलझे हैं, अज्ञानेन अवृतम ज्ञानम तेन मुझ्यंत केनो मुझ्यंती जंतवा, ये जीव राशि अनंत जीव क्यों ऐसा पागलपंती कर रहे। ठाकुर जी ने गीता में बताया ये पागलपंती क्या है, माया देवी ने करके रखा है। अज्ञानेन अवृतम ज्ञानम, उसका ज्ञान है सतसिद्ध किंतु प्रकाशित होने का अपेक्षा रखता है साधु संघ में। बहुत सारे चर्चा है, वो तो हमारा टाइम ही नहीं मिला, छोड़ देना पड़ेगा। उधर बताया ठाकुर जी अज्ञानेन अवृतम ज्ञानम तेनो मुझ्यन्ति जंत केनो मुझ्यन्ति जंत वाई दे आर हिप्नोटाइज्ड, बोले अज्ञानेन अवृतम ज्ञानम, ज्ञान प्रकाशित नहीं माया के द्वारा कवर्ड है, यही बात को खुला। तद्भिन्नांशांश जीवानो प्रकृति कवलितानो, प्रकृति या तो माया का कवल में गया, तद विमुक्तांश भावा, वो मुक्त हो सके। कोई साधु संत महात्मा का संग करे ऐसा नहीं को मुक्त नहीं होगा, उसका बद्ध दत्ता शांत है वो मुक्त हो जाएगा, है ना। फिर उसका बाद ठाकुर जी ने बताया भेदाभेद सब दुनिया में जो कुछ देख रहे हो, अब अचिंत भेदाभेद तत्व का और गंभीर चर्चा हम बाद में करेंगे, अब टाइम नहीं है, हम तो बैठा नहीं, एक एक सेकेंड में बोल रहा है। अचिंत भेदाभेद तत्व का गंभीर दावदान श्री चैतन्य महाप्रभु का कभी हो पाएगा, आई कैन रिमेम्बर, हम भूलेंगे नहीं, इसमें कहाँ चर्चा की हम याद रखेंगे, हम चाहे 10 साल की बात, ये ठीक जलंधर में आएगा तो हम याद है इतना तक रखा, ठीक है ठाकुर जी का कृपा। तो ये भेदाभेद प्रकसम सकलमो पिहरे हे, सभी ठाकुर जी है, अचिंत भेदाभेद के द्वारा एक यूनिक एडजस्टमेंट चल रहा है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। भेदाभेद प्रकसम सकलमो पिहरे हे, और ये साधन जो है, ये साधन है हरिनाम करते का जो साधन करो, ये साधन है, इसके द्वारा आपको सब मिलेगा। और ठाकुर जी का ऊपर जो अट्रैक्शन अर्थात रूपानु का भक्त हमारा है ठाकुर जी, है ना, ठाकुर जी का हम है और ठाकुर जी हमारा है, दोनों कंसेप्शन है। राधानी के अंदर के मेरा संग सुंदर है और दूसरे संप्रदाय के अंदर ठाकुर जी का मैं, दोनों में आसमान और जमीन का फर्क भी नहीं है, ये टॉप सीक्रेसी। जो रूपानुग रसिक वर्ग है वो छोड़ के ये सब बात कोई समझेगा ही नहीं, टॉप सीक्रेसी, समझा मेरा बात। असाध्य तत्प्रीति अर्थात भजन करते करते रूपानुग रागानुग भजन में उन्नत उज्जवल रस का साधन करो, यही गौरांग महाप्रभु का श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का टोटल इंजिस्ट अवदान है। अब वैशिष्ट क्या है, उसका करेक्टर वैशिष्ट क्या है, क्योंकि वैशिष्ट अगर मेंटेन नहीं करोगे तो हो नहीं पाएगा। उपोदेशम करोत्येव, ध्यान से सुनना, उपोदेशम करोत्येव न परीक्षाम करोति यो, जो केवल उपदेश करता है, जो वाणी को तुम उपदेश देते हो अपना जीवन में टेस्ट करके देखा है क्या, ये वाणी आता है महाप्रभु का, ये विशेष है वैशिष्ट। कभी अपना जिंदगी में परीक्षा नहीं किया हुआ बात को नहीं बोलना तो चीटर बन जाओगे। उपदेशम करत्येव न परीक्षाम करोति यो, अपरीक्ष उपदिष्टम जगत नाशय तद भवेत। उपदेशम कर, जो उपदेश करता है अपना जीवन में, जो उपदेश करता है अप्लाइड फॉर्म में देखा नहीं, इसका बारे में बताया गया चैतन्य चैतन्य में, तो उपदेशम करती है वह न परीक्षाम करो दियो, टेस्ट नहीं किया अपना जिंदगी में वो न परीक्षाम करो दियो, है अपरीक्षम अपरी जो परीक्षा नहीं किया है, जो उपदेश है जगत नाशायो तद भवे, सब जगत को अंधेरा में ले जाएगा, किसी को कोई मंगल नहीं हो पाए। जब स्टेप बाय स्टेप हमने बताया, हम मर मिट जाए फिर भी इसको सुनते रहना,
हम ये वैशासन में बैठ के बोल रहा है, भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद जी गुरुवर्गों का विचार का बाहर मैंने एक शब्द नहीं बोला, वैशासन में बैठ के बोल रहा हूँ, मेरा कोई अपना कुछ नहीं है। इसको अनुशीलन करते रहना, चाहे हम मर भी जाए कोई बात नहीं, बानी रहे आप करते रहो, हम अपना बात कुछ बताया नहीं। और का बताए, अब इसी में अंतिम समय हो गया अब है। अनर्पित चरिन चिरात करुणाय अवतीर्ण कलु समर्पयत उन्नतो ज्वलरसम सभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर अद्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरत शिशचीनंदन वाछाकल्पद्रवश्य के पास सिंधु व्यवस्था पतितानंग पामने भ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः।